वेलकम टू एसएससी एग्जाम एग्जाम्पल। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम एग्जाम्पल पर। हम एग्जाम्पल कर्म से क्रांति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो डेली करंट की क्लास मॉर्निंग में सुबह 5 बजे होती है। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है करेक्ट 5 बजे एसएससी एग्जाम्स पर एग्जाम्पल पर सभी का स्वागत है। इसी के साथ सबसे पहले आज की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण सुर्खियां कब से कब तक की। देखो सीधी सी बात है जो क्लासेस होती हैं करंट अफेयर की उसी दिन से जस्ट एक दिन बैक की तो होती हैं सभी लोग जानते हो। तो आज हम लोग सैटरडे संडे दोनों दिन की क्लासेस को मंडे के दिन को दिन में कवर करेंगे। और आज सबसे बड़ी आपके लिए बात होगी क्योंकि आपने आज अपना थंबनेल देखा होगा। थंबनेल सबसे पहले जिसने टच किया होगा आपने हर प्रश्न का पोस्टमार्टम के नीचे लिखा होगा एसएससी जीडी में जंग के ऐलान। जंग के ऐलान मतलब जो जंग आपकी होने वाली है 6 से 7 वैकेंसी के चरण में जो वैकेंसीज आती हैं और लगभग आपकी 25-26 हजार फीमेल एंड मेल दोनों लोगों की वैकेंसीज आई हैं। तो आपको रणनीति कौन सी बनानी है और किस रणनीति के अकॉर्डिंग आप उसमें क्वालिफाई हो गए। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो, मुझ पर अगर आपको इतना सा भी ट्रस्ट होगा तो आज पूरी मेरी बात सुनोगे कि आपको सिलेक्शन लेना कैसे है। अगर उसके बाद सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है। तो सभी लोगों से कहना चाहेंगे आज के दिन सबसे लास्ट में हम आपको एसएससी जीडी की तोड़ मरोड़ के पूरी जानकारी दे देंगे और हम ही कुछ नया स्टार्ट आप सभी लोगों के लिए करने वाले हैं। तो आज आपको पूरा सेशन मेरे साथ देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपना मोटिवेशन, सबका साथ सबका विकास, और ये मोटिवेशन एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जितने भी ये बिना मतलब इनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे ना, कुछ दिनों बाद सारे के सारे इस पोजीशन में पहुंचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इसी पोजीशन में जाके आपके मां बाप एक गर्व महसूस करते हैं कि हां कुछ किया है तूने सुबह 5 बजे उठकर। ऐसा होता है ना, क्योंकि मेरे लिए भी ऐसा होता है, आपके लिए भी ऐसा होता है। सर प्लीज ऐप के बारे में बताओ प्लीज। ललित कुमार जी APP का मतलब होता है आप, या APP का मतलब होता है ऐप। तो आप कहना किसके बारे में चाहते हो, अपनी भाषा को क्लियरिटी के अनुसार लिखा करो ताकि आपकी बात सही ढंग से किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं सबसे पहले क्लास के बारे में। सभी लोग जानते हो आज के दिन एसएससी जीडी चाहे UPSC पैट की बात करते हैं या आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, दिस इज द पोस्टमार्टम क्लास। आपको ये निश्चित करना है क्योंकि आज के दिन से पोस्टमार्टम से पहले दा का प्रयोग होना चालू हो गया है। पोस्टमार्टम से पहले दा का प्रयोग या किसी भी पर्टिकुलर चीज के पहले जब भी हम दा का प्रयोग करते हैं वो चीज निश्चित हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि अपनी क्लास जो है वो निश्चित है पोस्टमार्टम के लिए, और आज भी आपका हर प्रश्न का पोस्टमार्टम होने वाला है बड़े कायदे के तरीके से। लेकिन याद रखना मेरा जो कर्तव्य है सिर्फ इतना नहीं है कि आपको क्वेश्चन और आंसर ही करवाएं। मेरा कर्तव्य इतना है जिस प्रकार से एक बड़े भाई का कर्तव्य होता है उसी प्रकार से आपको हर छोटी से छोटी चीज के बारे में हम आपको बताएं कब कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पढ़ना है क्यों नहीं पढ़ना है, हर छोटी से छोटी चीज आपको बताएंगे। क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहले क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले एसएससी का आज गोल है, एसएससी जीडी की आज सारी बातें खत्म होगी और कल से पूरा डिटेल लॉन्च होगी। कल से पूरा एसएससी जीडी का आपका खात्मा होगा स्टार्ट कल से। इसी के साथ रेलवे, पुलिस, बैंक, स्टेट एग्जाम्स या स्टेट पीटी जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए आप इस क्लास को कवर कर सकते हो। और इसमें ऑल सब्जेक्ट्स के लिए करंट अफेयर के साथ साथ अपडेटेड जीके जो कल से ऐड होना चालू हो जाएगी एसएससी जीडी वह इन सभी एग्जाम्स के लिए। लेकिन जो गोल रहेगा वो एसएससी जीडी का, क्योंकि यही एग्जाम सबसे बड़ा आने वाला है। इसी के साथ में करंट अफेयर्स में जो भी आपके टॉपिक होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्संस न्यूज, समिट, कॉन्फ्रेंस या मिसलेनियस, इनके साथ साथ अपडेटेड दिया क्या है एसएससी ने, तो पूरा नोटिफिकेशन, पूरा नोटिस जारी किया है आपके लिए। आप भले इस नोटिस को नहीं पढ़ते हो लेकिन रियलिटी में जब नोटिस पढ़ा जाता है सिलेक्शन कहीं ना कहीं वहीं से निकलते हैं, सिलेक्शन कहीं ना कहीं वहीं से निकलते हैं, ठीक है।
ठीक है, वहीं से निकलते हैं और इसी के साथ सबसे पहले, और इसके बाद आप कहते हो सर जो भी आप हमें बातें बताते हो क्लियरिटी के अनुसार बताते हो, अभी नहीं बताएंगे, पहले हम करंट अफेयर पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको पूरी इसकी डिटेल बताएंगे, पूरा सब्जेक्टिव वाइज बताएंगे, कब कैसे कितने क्वेश्चन वहां सॉल्व करने चाहिए, कैसे क्या करना है, सारी बातें बताएंगे अपने अकॉर्डिंग जो हमने किया था। ठीक है, तो सारी आपको बातें बताएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका लेवल आता है सबसे पहले क्वेश्चन का, और इस सेशन के बाद किसी को कोई दिक्कत होगी तो मेरा कॉन्टेक्ट भी आपको आज प्रोवाइड कराया जाएगा, हर चीज आप हमसे पूछ सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आज का पहला, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ डिजिटल करेंसी शुरू करने की योजना बनाई है। सबसे पहले मेरे भाई हमने आपसे कहा था कि मेरा कर्तव्य इतना ये नहीं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर बता के आगे निकल जाए, मेरा कर्तव्य है कब कौन सा क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। तो सारे लोग एक बात अलर्ट, क्योंकि पूरे दिन में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो करंट अफेयर क्लास को लाइव नहीं ले पाते हैं, लेकिन उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लाइव ही लिया कीजिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है YouTube की तरफ से वीडियो को कटिंग कर दी जाती है तो आपके क्वेश्चंस या ऐसी बातें छूट जाती हैं, इसलिए आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइव ही लिया करो कोशिश। ठीक है, कोशिश क्या करो कि सेशन को हम लाइव ही लें। पहला क्वेश्चन आज जितने भी पूरे दिन में लोग पढ़ेंगे बड़े ध्यान से पढ़ना, आज का पहला क्वेश्चन आपसे कितना जरूरी है। सबसे पहले हाल में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, सभी लोग जानते हो, हां सर ये तो जानते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 मुंबई, बाकी बातें सब जानते हो, कुछ इसमें नहीं है, किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी शुरू करने की योजना बनाई है। जो भी ये क्वेश्चन अपडेट हुआ, और आज का अपडेट नहीं है, ये लगभग एक महीने से क्वेश्चन चल रहा है, एक महीने से क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन आज के दिन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपडेट ये किया कि हम सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर, लेकिन कौन सी सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर, कौन सी सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर। तो सबसे पहले याद रखना यहां पे आपको ऑप्शन आपके एग्जाम ओरिएंटेड या किसी भी पत्रकार, किसी भी न्यूज, किसी भी व्यक्ति ने आपको पढ़ाया हो, अगर कोई भी आपको सेंट्रल बैंक पढ़ाता है तो ये क्वेश्चन यहां पर सही होगा और गलत भी होगा, सही होगा गलत भी होगा, क्योंकि बैंक ने डिक्लेयर नहीं किया कि वो सेंट्रल बैंक के साथ ही ऐसा करेगी, सेंट्रल बैंक के साथ ही ऐसा करेगी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने योजना बना दी है कि वो आने वाले इंडिया के फ्यूचर में, जो इंडिया के फ्यूचर है ना, इंडिया के फ्यूचर में डिजिटल करेंसी शुरू करने की ये योजना बना रही है सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर। यहां पे हर देश में एक सेंट्रल बैंक होती है पूरा संभालने वाली। तो मेरे भाई क्वेश्चन यहां पे जो डी होगा इसको लिख लेना, बट करेक्टली मत करना कि यही क्वेश्चन होगा। क्यों सर? क्योंकि हर देश में ऐसी बैंकें होती हैं, जरूरी नहीं कि यह क्वेश्चन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हो, क्योंकि भारत में जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन करेंसी का जो नाम होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सर कौन सी करेंसी, कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल में डिजिटल करेंसी जो लागू करेगी वो किस बैंक के साथ मिलकर करेगी। ये क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन मार्क है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि ऐसा किसके साथ किया जाएगा, लेकिन खबरों में जो नाम चल रहे हैं वो सेंट्रल बैंक के चल रहे हैं, ये मुद्दे की बात थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आरबीआई लगाएगा डिजिटल करेंसी। ठीक है सर जी, अब की बार एक नेक्स्ट स्टेप आई, डिजिटल जो करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी के बेस्ड पर जितने भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन, मेन बात यहां पे आती है। तो सबसे पहले मेरे भाइयों नोट कीजिए, सबसे पहले नोट कीजिए, पहला ऐसा देश जिसने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को अपनी करेंसी घोषित कर दिया है। तो क्या याद रखोगे, सबसे पहले अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं, तो आज के कुछ दिनों पहले हमने आपको ब्रिटेन बताया था, किस देश ने ऐसा किया है, तो ब्रिटेन के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये यहां की डिजिटल करेंसी होगी। अगला क्वेश्चन यहीं पर एक और निकलता है, सर ये क्वेश्चन क्या निकलता है कि अभी हाल में अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल करेंसी को बैंड करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था, तो याद रखना वर्ष 2014 में डिजिटल करेंसी को बैंड करने वाला पहला देश बोलिविया बना था। कौन सा? बोलिविया पहला देश बना था वर्ष 2014 में। और अभी हाल में रिसेंटली टर्की के द्वारा भी इसको बैन कर दिया गया। किसके द्वारा? टर्की के द्वारा भी इसको बैन कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई? कितने पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट बिटकॉइन का, दूसरा पॉइंट आपका हो गया बोलिविया का, तीसरा पॉइंट बनेगा विश्व में पहली बार किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। तो याद रखना मेरे भाइयों, फेसबुक के द्वारा, याद रखना फेसबुक के द्वारा लिब्रा नामक LIBRA लिब्रा नामक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया।
गया है। याद रखना लिब्रा नामक करेंसी को फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया। जब भी हम आपको फेसबुक के बारे में बताते हैं तो लिब्रा की फोटो जरूर दिखाते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम सर है तो पोस्टमार्टम तो करवाएंगे, चीड़फाड़ तो करना अपना काम भी रहता ही है। इसी प्रकार से चीड़फाड़ कर 25,000 वैकेंसीज जो है ना, सबसे ज्यादा मेरी क्लास में जितने भी हैं, चाहे फीमेल की बात की जाए या मेल की, 100% सक्सेस की तरफ जाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी मेरी होगी, पढ़ना आपका काम होगा। शॉर्ट कंटेंट आप कहते हो, कल हमने कमेंट देखी थी और कल मेरी जो मेल पे हमने आपको मेल दे रखी है, उस मेल पे आप अपने क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हो। काफी लोगों ने क्वेश्चन किए थे, सर इतने सारे क्वेश्चन याद कैसे किए जाए, सब कहते हैं याद करो, हम कहते हैं याद मत करो, टेक्निक टेक्नोलॉजी सर कौन सी, वही तो बताएंगे आज। याद रखना लिब्रा नामक। अब बात आती है एक बार आपके डिजिटल करेंसी जो इंडिया में लॉन्च होगी, इसके बारे में एक बार ध्यान देना। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, भारतीय रिजर्व बैंक ये क्वेश्चन मुद्दे का बनता है, उस वाले से याद क्या रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निकट भविष्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका नाम क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये आपको नाम याद रखना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं, सीबीडीसी के नाम से जानते हैं। यहां पे सेंट्रल बैंक नाम आ रहा है, इसीलिए बहुत सी पत्रिकाओं में सेंट्रल बैंक घोषित कर दिया गया, जो कि पूर्णतः क्वेश्चन ही गलत है, जो पूर्णतः क्वेश्चन ही गलत है। क्लियर। नेक्स्ट, सीबीडीसी की शुरुआत कर रहे हैं कि योजना बना रहा है, बैंक के डिप्टी गवर्नर और किसके द्वारा अभी हाल में नियुक्ति किनकी हुई थी, ये हुई थी टीबी शंकर की। तो टीबी शंकर ने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, और ये दिल्ली में एक आयोजन हुआ था, उस आयोजन में इन्होंने घोषणा की है टीबी शंकर ने कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के तहत ऐसा किया जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए आज का बनता है, बहुत जरूरी क्वेश्चन, और हमने पोस्टमार्टम आज डिजिटल चीजों का कर दिया ताकि आपको आगे चल के किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, सर लिब्रा को बदल दिया है, अभी नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लिब्रा करेंसी जो है वो किस देश की है, तो याद रखना देश की नहीं, फेसबुक की है। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक है, तो भाई आरबीआई के बारे में सभी लोग जानते हो, सेंट्रल बैंक के बारे में लिख लो। सबसे पहले सर सेंट्रल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखना 21 दिसंबर 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। हेडक्वार्टर कहां है, याद रखना मेरे भाइयों, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। सर इसके जो सीईओ एमडी हैं उनका नाम क्या है, तो लिख सकते हो मातम वेंकटा राव। नाम क्या है, मातम वेंकटा राव इनका नाम हो जाता है, राव इनका नाम हो जाता है, तो यहाँ के सीईओ हैं। जब भी किसी बैंक के बारे में याद रखना, तो ये चीजें लगभग में पूछी नहीं जाती हैं, ये चीज नहीं पूछी जाती कि फॉर्मेशन कब हुआ, हाँ मेन चीज होती है हेडक्वार्टर और सीईओ आपको पता होना चाहिए, जो बैंक चर्चे में रही हो। और हमने आपको एक लिस्ट दे रखी है अपडेटेड बैंकों की, अगर आपको ध्यान हो, और हमने शेयर भी किया था टेलीग्राम पे, पूरी चीज हमने आपको बताई थी, पूरी लिस्ट दे रखी है बैंकों की, अपडेटेड लिस्ट है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्योंकि आज के दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कुछ इसी प्रकार से हैं, उसके बाद 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपका पसीना छूट जाएगा क्वेश्चन लिखते लिखते। क्लियर। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, पूजा कुमारी जी वेलकम है आपका, बस अगर आप न्यू है तो पूरी क्लास पूरी क्लास जब तक हो एक बार देखते रहिएगा, क्लास छोड़ के मत जाना, ठीक है, उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको रेगुलर रहना या नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल में किस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक, किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको हम लोग आईओसी के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, और आपसे पिछली बार पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में, एसएससी जीडी के, और अभी एमपीपीएससी से संबंधित कोई एग्जाम हुआ है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने फंसे हैं, सबसे ज्यादा पेपर उठा के देखना, जो मेरी क्लास में रेगुलर रहते हैं पेपर उठा के देखना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो अपने क्लास से बाहर हो, ये चैलेंज है मेरा, पेपर उठा के देख लेना, अभी दो तीन या कल परसों हुआ पेपर, देखना एक बार। एसएससी जीडी पूछा गया था कि नैतिकता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद बताएंगे कब इसकी स्थापना। तो ओलंपिक समिति ने नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो हु हैज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एथिक्स कमीशन ऑफ आईओसी, तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका
कहां गए? बान की मून। क्वेश्चन का जो आंसर होगा बान की मून, एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बान की मून आठवें जो क्या है सिक्योरिटी जनरल है संयुक्त राष्ट्र के, याद रखना संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव रह चुके हैं, ये क्या रह चुके हैं तो याद रखिएगा मेरे भाइयों, संयुक्त राष्ट्र के, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव, पूर्व महासचिव, और कौन से नंबर के, कौन से नंबर के रह चुके हैं तो मेरे भाइयों याद रखना आठवें नंबर के, आठवें नंबर के ये क्या रखे रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव रह चुके हैं आठवें नंबर के बान की मून, और इनको अभी हाल में नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन कि ये सर किस देश के हैं तो ये साउथ कोरिया के हैं। किस देश के मेरे भाइयों तो याद रखिएगा साउथ कोरिया से ये बिलोंग करते हैं, क्लियर, साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आपसे यहां पे लिखी जाए, सबसे पहले जो आपका पहला पॉइंट था ये था आपका नैतिकता आयोग का, किसका, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे नैतिकता आयोग की, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर नैतिकता आयोग की, आज के दो क्वेश्चन है ही ऐसे, क्या कर सकते हैं, नैतिकता आयोग सबसे पहले याद रखिएगा, नैतिकता आयोग में जो आपके बान की मून, सबसे पहले बान की मून के बारे में बात करते हैं, ये पहले क्या थे, ये आपके आठवें, आठवें आपके संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के आठवें महासचिव थे, आठवें महासचिव थे। अगला क्वेश्चन क्या होगा और ये इनका दूसरा कार्यकाल है, याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों, नैतिकता के अगर बारे में बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पर नैतिकता आयोग की बात करते हैं, नैतिकता आयोग की बात करते हैं, आयोग में 2017 से, 2017 से दोबारा में याद रखना, दोबारा में इनका दूसरा कार्यकाल होगा। इनका कौन सा कार्यकाल है तो याद रखना इनका ये दूसरा कार्यकाल होगा। अगला क्वेश्चन यहीं पे सिक्योरिटी जनरल की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास निकलता है कि सर अगर ये संयुक्त राष्ट्र जो आपका संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव का नाम बताइए, तो क्या याद रखोगे जो पिछले एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, क्रेगी ली इनका नाम था, TRY इनका नाम मेरे भाई याद रखना, कुछ अजीब इनका नाम है बट फिर भी याद तो करना पड़ेगा, ली इनका नाम है और ये नॉर्वे से थे। किस देश के थे तो याद रखना ये आपके नॉर्वे से थे। नंबर दो, दूसरे की बात करते हैं और अभी कौन से, बस इतना ही एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा नहीं तो नहीं पूछेगा। नाम है डाग एच, नाम क्या है इनका, दूसरे जो थे उनका नाम था डाग एच और ये किस देश के थे तो मेरे भाइयों याद रखना स्वीडन से बिलोंग करते थे। और अब की बात की जाए आठवें थे आपके बान की मून, लेकिन जो अभी हैं उनका नाम क्या प्रेजेंटली तो वो नौवें हैं और सर जी उनका नाम सभी लोग जानते होंगे एंटोनियो गुटेरस, नाम क्या है एंटोनियो गुटेरस इनका नाम है, एंटोनियो गुटेरस इनका नाम है। और एंटोनियो गुटेरस सर किस देश से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, किससे याद रखना मेरे भाइयों, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, अभी हाल में यूएनजीए के, यूएनजीए में किसको अभी हाल में, कौन अब्दुल जो आपके राशिद अब्दुल है वो किस देश के बने हैं, राशिद जो अध्यक्षता की जाएगी राशिद अब्दुल के द्वारा, अब्दुल के द्वारा यह किस देश के बने हैं, किस देश के बने हैं, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए अब्दुल राशिद। अगला क्वेश्चन यहां निकलता है कि सर नैतिकता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो क्या बताओगे नैतिकता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखना ओलंपिक के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए 1999 में नैतिकता आयोग की स्थापना की गई थी, 1999 में नैतिकता आयोग की स्थापना की गई थी, क्लियर है, मालदीव के, रॉयल अंजलि नाम पहली बार सुना आपका, सलूट, एकदम करेक्ट आंसर आपका है, ठीक है, मालदीव के रहने वाले आपके राशिद अब्दुल, इनका नाम आपको याद रखना है, क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन थे, इन दोनों के बारे में थोड़ी डिटेलिंग है बट लिख लेना, क्योंकि अब पेन कॉपी उठा लो और अगर रुमाल रुमाल रखा हो ना तो मुंह पोछ लेना, क्योंकि अब बारी है पोस्टमार्टम की एक एक करके, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा था, नेक्स्ट टाइम जब भी अपॉइंटमेंट होगी तब एक बार मई पूरा हो चुका है खत्म आपका, उसके बाद आपका इससे पहले वाला महीना कवर करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके सारे अपॉइंटमेंट कवर हो जाएंगे जनवरी से लेके अब तक की डेली वाइज में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए भाई
अब बात आती है, हाल में किस राज्य ने विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है? ऐसा भारत का पहला राज्य कौन सा है? जिसने विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है, ऐसा भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? इसका आंसर सबसे पहले, विच स्टेट है रिसेंटली अब्लूज द अपर एज लिमिट फॉर ट्रांसजेंडर इन यूनिवर्सिटीज, तो क्वेश्चन का आंसर यहां पर केरल हो जाएगा चपक के। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो केरल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इसी बारे में पूछा जाए कि सर ऐसा कैसे, सबसे पहले ध्यान दो, हम लोग क्या होते हैं, 12th पास किया आपने, फिर किसी विश्वविद्यालय में क्या होते हैं, भर्ती होते हैं जाके, तो क्राइटेरिया तो एज का होता है ना, लेकिन यहां पर कल्चर किसी सिद्धांतों के बारे में ज्ञात करने के लिए जो भी आपके एस्टेब्लिशमेंट होता है वहां पे एज अपॉइंटमेंट होती है। तो अब एज का जो चक्कर था वो ट्रांसजेंडर्स के लिए ही खत्म कर दिया गया, ट्रांसजेंडर जो होंगे उनमें कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, अब ये बिना किसी क्राइटेरिया के कभी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो केरल एब्लॉशन अपर एज लिमिट फॉर ट्रांसजेंडर्स, ये आपको याद रखना है, और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका केरल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप में से पोस्टमार्टम करने वाले एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ट्रांसजेंडर, तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां हुई? भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का शुभारंभ कहां किया गया? भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर को पुलिस में शामिल किस राज्य ने किया? और भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए LGBTQ+ नेटवर्क स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? है कोई ऐसा जो बता पाए? लेकिन देखना, बिना पेन कॉपी चलाए सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अंदर, इसे कहते हैं पोस्टमार्टम। सबसे पहले कुछ, अरे यार यहाँ पे कुछ लिखित जानकारी है, विश्वविद्यालय इनके संबंध कला और विज्ञान स्कूलों में इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए ऊपरी आयु सीमा समाप्त कर दी है, जो मैं आपको पहले बता चुके। उद्देश्य क्या होगा? ट्रांसजेंडरों को प्रोत्साहित करने के लिए, ट्रांसजेंडर्स को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया। नोट, 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना था, इसको भी नोट कर लेना, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। केरल 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। पॉइंट बी नोटेड, क्लियर? पॉइंट बी नोटेड, पहले महाराष्ट्र था, सबसे पहले इसको याद रखो, केरल देश का पहला ऐसा देश था, राज्य था, जो 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज करने की जिसने घोषणा की थी। हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए, और आज से आपकी जो पीडीएफ होगी वो जो हम यहाँ पे लिख के देंगे सब आपकी पीडीएफ में नोट होगा, ठीक है? सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा, क्योंकि आपने काफी लोगों ने कहा था सर ऐसा कर दो, तो ऐसा हम कर चुके हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महाराष्ट्र इज सेट टू लॉन्च अ स्टेट नेटवर्क फॉर LGBTIQA, आपके लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीयर और एक्सेक्सुअल जो होते हैं उन सभी के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, महाराष्ट्र बना है। कौन सा? महाराष्ट्र बना है। पूजा कुमार कह रही है सर मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो फिर कब आने वाला है SSC सीशल का? पूजा कुमारी जी अभी SSC GD का फॉर्म चल रहा है, और पूजा कुमारी जी साथ में बने रहिए, सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे क्राइटेरिया, सब कुछ लाए हैं, परेशान मत होइए, सब कुछ लाए हैं, क्योंकि आज SSC GD का पोस्टमार्टम करना है, तो सब कुछ बताएंगे, क्योंकि आज सब कुछ हो गया तो मजा आ जाएगा, याद रखना। तो क्वेश्चन पे देखो, फोकस करो, क्योंकि बीच में जब आप डिस्टर्ब करते हो तो दिक्कत होती है। सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा रुक के। पीडीएफ कहां मिलेगी सर? सबसे लास्ट में बताएंगे मेरे भाई, पीडीएफ कहां मिलती है, अभी थोड़ी सुरसुरी है, उसको दूर करते हैं। तो याद रखना, महाराष्ट्र ने LGBTQA नेटवर्क स्थापित किया है, पहला देश ऐसा देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, वी हैव रिक्वायर्ड ट्रांसजेंडर पीपल एज कॉन्स्टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। छत्तीसगढ़ राज्य ने ट्रांसजेंडर की वैकेंसीज व उसमें शामिल करने वाला, ट्रांसजेंडर को पुलिस में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दिमाग में लगा लो, छत्तीसगढ़ बना है। कौन सा? छत्तीसगढ़ बना है। उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की, इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी सेटल्ड इन विच स्टेट? तो क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश लगाओगे। क्या लगाओगे? उत्तर प्रदेश लगाओगे। अगला क्वेश्चन है,
तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या कर दिया है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का शुभारंभ कर दिया। कहो हुआ पोस्टमार्टम ये, लेकिन ये हुआ सिर्फ आपके ट्रांसजेंडर्स के क्वेश्चंस का। और एक बार अगर लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बिना कॉपी पेन चलाए हमेशा ये क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र क्या करने वाला, नेटवर्क स्थापित करने वाला जो आपके ट्रांसजेंडर्स होते हैं, इसका नाम है LGBTIQA। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल करने वाला पहला राज्य, इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, और तेलंगाना ने, तेलंगाना की पुलिस के द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का शुभारंभ किया गया। एक क्वेश्चन झुरझुरी वाला और रह गया, वो कौन सा है, बगल में अपने बांग्लादेश भैया। तो बांग्लादेश ने नाम इनका नोट करना मेरे भाइयों, क्योंकि नाम हमेशा याद रहेगा, कोई इतना नोट करने वाला है नहीं। तृष्णा आन्या आश्रीन इनका नाम है जो बांग्लादेश में बनने वाली पहली क्या बन गई है, ट्रांसजेंडर एंकर बन गई हैं, जो न्यूज वक्ता होते हैं ना, तो उसमें इनको शामिल कर लिया गया और ये पहली ऐसी महिला बनी, पहली ऐसी ट्रांसजेंडर बनी हैं। तो इतना आपको ट्रांसजेंडर्स के बारे में याद रखना है। अब झुरझुरी दूसरी उठेगी मेरे भाइयों आप सभी के लिए, केरल का पोस्टमार्टम। अब बात आती है अपने केरल की, ऊपर से लेकर नीचे तक केरल का पूरा पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले पिंक प्रोटेक्शन नामक अभियान कहां शुरू किया गया, जितने भी लिख रहे हो अलर्ट, अलर्ट मोड पर, क्योंकि मेरी क्लास है और मेरी क्लास का मतलब है उनकी क्लास है जो सिलेक्शन लेने के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति क्वेश्चंस को नोट करेगा, नोट करने का तरीका बदल दो, सिर्फ ऊपर हेडिंग होनी चाहिए केरल, ऊपर सिर्फ हेडिंग होनी चाहिए केरल, और केरल के बाद में हमने आपको जो क्वेश्चन बताया उसका आंसर यहां पर उत्तर डाल के लिख लो और डेट डाल देना कि आज हमने आपको ये क्वेश्चन बताया। उसके बाद केरल के लिए जो ट्रांसजेंडर के हमने स्क्रीनशॉट या जिसने लिखा हो वो यहां पर क्या लिखोगे, एलजीबीटीक्यू नेटवर्क महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल, नीचे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी, इसके बाद आज तेलंगाना मिशन हो गया खत्म, इतना करो बस छोड़ दो। अगला पॉइंट यहां पे डालना है तेलंगाना, तो पिंक प्रोटेक्शन अभियान बस छोड़ दो। दूसरा पिंक रोमियो अभियान केरल, इतना करना है और कुछ मत करना, कसम है अगर और कुछ किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी अंदर लाओ दिमाग में और ऐसे सिलेक्शन होगा, याद रखना मेरे भाइयों ऐसे सिलेक्शन होगा आपका, स्मार्ट बनो स्मार्ट, क्योंकि आजकल पता है जो स्मार्ट है वही आगे है। तो याद रखना पिंक प्रोटेक्शन केरल की नई पहल का शुभारंभ किया गया महिलाओं की रक्षा करने के लिए। इसी के साथ यहां के जो पुलिस वाले हैं, यहां के जो पुलिस वाले हैं, महिला पुलिस अधीक्षकों अधिकारियों ने मिलकर पिंक रोमियो अभियान का शुभारंभ भी किया, किसका, पिंक रोमियो अभियान का शुभारंभ भी इसी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बनता है केरल का कि फर्स्ट बुक विलेज ऑफ केरल, तो याद रखना केरल में भी हाल में क्या मिला है, फर्स्ट बुक अवार्ड भी किसी जो छोटे से गांव होते हैं पक्लम करके उनको ये अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट बुक अवार्ड। लेकिन भारत का पहला बुक अवार्ड किस राज्य को मिला, तो क्या याद रखोगे, महाराष्ट्र को। अगर आपसे भारत का पहला पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र आप लोग याद रखोगे, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला है नियो बैंकिंग सुविधा चालू करने वाला डिजिटल तौर पर पहला राज्य कौन सा बना है, तो यह भी आपका केरल बना है, कौन सा, केरल। और इसी व्यवस्था के साथ साथ ज्ञान मिशन का शुभारंभ किसने किया, याद रखिएगा मेरे भाइयों GYAN ज्ञान मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो यह भी आपके केरल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, केरल ने अभी हाल में डाउरी सिस्टम, इसका मतलब होता है दहेज प्रथा, दहेज प्रथा पर अभी हाल में क्या कर दिया, एक अध्यादेश जारी किया है और प्रॉपर तरीके से डाउरी सिस्टम को बंद करने की प्रतिक्रिया में केरल काफी आगे है। अगला क्वेश्चन केरल का, रोल ऑफ एक्सलेंस अवार्ड मिला है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, याद रखना कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विद्युत के क्षेत्र में रोल ऑफ एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह था आपका केरल का पोस्टमार्टम। लेकिन अब बहुत से क्वेश्चंस और हैं, भारत की पहली डिजिटल अकादमी का शुभारंभ शंकराचार्य का कहां किया गया, तो भी आपके केरल में। भारत का पहली सबसे छोटी ट्रेन का शुभारंभ कहां किया गया, जो जो सौर ऊर्जा से चलती है, उसका शुभारंभ भी केरल में किया गया। लेकिन केरल में ऐसा नहीं है कि पूरे एक ही दिन में सारे क्वेश्चन कवर कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर करने में लगभग 15 मिनट लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। इसलिए डेली जैसे जैसे राज आते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे, क्योंकि अगर हमने पूरा दे दिया ना आप याद कर पाओगे ना हम सही से आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो डेली धीरे धीरे करके सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में आप लोग
लोग किसी भी राज्य से संबंधित एक साल की करंट अफेयर कवर करते हो, इसीलिए आराम आराम से, ठीक है। वन स्कूल वन आईएएस आर्य मोहम्मद खान ने यही स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा थमके चलते हैं नेक्स्ट पे। सबसे पहले आता है केरल, तो केरल की बेसिक नॉलेज सर क्या होती है, तो सबसे पहले केरल की राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम केरल की आपकी हो जाती है यहाँ पे राजधानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तिरुवनंतपुरम के बाद केरल की बात की जाए सर टोटल जिलों की संख्या, तो टोटल यहां पर 14 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी है, 141 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर राज्यसभा की सीटें 9 है, यहां पर लोकसभा की सीटें राज्यसभा से हमेशा ज्यादा होती हैं, तो 20 सीटें यहां पर लोकसभा में है। अगला क्वेश्चन यहां के सर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो लिखना एस मणि कुमार, नाम क्या है एस मणि कुमार इनका नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सर केरल के जो गवर्नर सीएम है उनका नाम क्या है, तो लिखना पिनाराई विजयन, यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम क्या है पिनाराई विजयन, क्या नाम है पिनाराई विजयन यहां के चीफ मिनिस्टर का नाम है। सर यहां के गवर्नर का नाम क्या है, तो आरिफ मोहम्मद खान, क्या नाम है मेरे भाइयों आरिफ मोहम्मद खान यहां के आपके गवर्नर का नाम हो जाता है आरिफ मोहम्मद खान। जिनको ना दिख रहा हो या राइटिंग समझ ना आती हो तो हम बोल बोल के कह देते हैं, तो आप लिख लिया करो, ठीक है। और बाकी बातें मत पूछना कि यहां का पेड़ कौन सा है, ये बता दो वो बता दो, क्योंकि एक राज्य का पोस्टमार्टम स्टैटिक का भी हम लोग करते हैं और 5 देशों का। 10 क्वेश्चन करने के बाद में सभी लोगों को पता है, रेगुलर वाले हैं जिसको नहीं पता है वो आज देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर आज का यार चौथा आ गया, अच्छा नंबर कोई वैसा हो गया होगा, कोई बात नहीं, पूरे 10 हैं, परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, किस देश के उच्चायुक्त से वाइस एडमिरल विनय बदवार ने अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अभी हाल में ऐसा कौन सा देश है जिस देश से अपने भारत के वाइस एडमिरल विनय बदवार ने अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो बताइए। वाइस एडमिरल विनय बदवार रिसीव्ड द अलेक्जेंडर डेल रिपल अवार्ड फ्रॉम द हाई सी, का मतलब क्या होगा, तो हाई कमिश्नर जो होता है किसी देश का हाई कमिश्नर ऑफ विच कंट्री, और वो कंट्री जो इसमें से कौन सी है जिसके भारत में हाई कमिश्नर है, भारत के उस देश में नहीं, उस देश के अपने भारत में है, ठीक है ठीक है। तो याद रखना रसिया ब्रिटेन जापान या फिर आपका अमेरिका, तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अमेरिका। अमेरिका के हाई कोर्ट के सॉरी अमेरिका का जो हाई कमीशन अपने भारत में उनका नाम क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यूनाइटेड किंगडम होगा। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन और इंग्लैंड में किस किस को कंफ्यूजन है कि सर जब यूनाइटेड किंगडम होता है तब कितने देश उसमें जुड़ जाते हैं, लेकिन सर जब ये बनता है आपका इंग्लैंड बनता है तब इसमें टोटल कितने देश होते हैं, लेकिन सर जब यही चीज ग्रेट ब्रिटेन बनती है तब इसमें कितने चीजें होती हैं, तो आज इस मैप का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इनको ये अवार्ड मिला गया और इनको ये दूसरी बार अवार्ड मिला है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सबसे पहले अवार्ड के बारे में, भारतीय चीफ हाइड्रोग्राफर ये किससे संबंधित हैं, ये आपके नेवी से संबंधित हैं और समुद्री खोज के लिए, किसके लिए समुद्री खोज में योगदान, समुद्री खोज में योगदान जो प्रॉपर तरीके से दिया जाता है उसी क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया है, तो वाइस एडमिरल, और कितनी बार, ये सेकेंड टाइम, याद रखिएगा सेकेंड टाइम इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो याद रखना विनय बदवार ने नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त, नाम है एलेक्स एलिस, नाम क्या है एलेक्स एलिस, और हमने जब ब्रिटेन का बार बार पोस्टमार्टम करवाया था आपको तब हमने जेट जीरो मिशन के साथ साथ इनका नाम काफी बार इमेजेस के साथ बताया था कि ये भारत में उच्चायुक्त बन गए हैं ब्रिटेन के, नाम है श्री एलेक्स एलिस से अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार प्राप्त किया है। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी लेकिन कोविड 19 के चलते इनको यह अवार्ड नहीं दिया जा सका, लेकिन कोविड 19 जब 2019 चल रहा था, 19-20 जो चल रहा था उस चक्कर में, तो क्या एलेक्स एलिस यहां पे हाई कमिश्नर बन चुके थे, गलत, ये नवंबर दिसंबर में एलेक्स एलिस बने हैं। ये क्वेश्चन अपडेट लाल के लिखना कि घोषणा किसी और ने की थी, दिया किसी और ने है, दिया है एलेक्स एलिस ने अपने भारत में। अगला क्वेश्चन है,
यह पुरस्कार हिंद महासागर क्षेत्र में हाइड्रोग्राफी क्षेत्र में दिया जाता है, जो आपका क्षेत्र हिंद महासागर का इंडियन ओशन है, वहां पर खोज प्रमाणित या अन्य देशों के सापेक्ष में जो खोजें होती हैं उनके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना फॉर्मेशन 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। इंग्लिश वालों के लिए प्रॉपर तरीके से इंग्लिश वालों में लिखा है, आराम से बाद में आप समझ सकते हो। चलते नेक्स्ट पे, सबसे पहले आपके ब्रिटेन की तरफ। सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं तो कौन कौन से इसमें एरिया आते हैं। सबसे पहले आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, ये रहा आपका। नेक्स्ट आपका स्कॉटलैंड, ये रहा आपका। इंग्लैंड की बात करते हैं तो ये इतना पोर्शन यहां पे इंग्लैंड का है। वेल्स यहां पर स्थित है, ये रहा आपका वेल्स है। और ये रहा आपका आयरलैंड, ये रहा आपका आयरलैंड। जैसा अपना भारत का नक्शा होता है ना, इसी प्रकार से जस्ट उल्टा नक्शा है, बिना अशोक चक्र का। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। गुरुजी 6 बजे पढ़ाया करो प्लीज। रॉक स्टार जी, देखो मेरा टाइम थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि हम लाइक अ चैलेंजिंग टीचर आपके साथ रहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक साल कवर कैसे हो सकती है, हम करवाते हैं ऐसा मुमकिन है, लेकिन क्लास को बदलवाओ मत, क्योंकि एक बार जो कमेंटमेंट कर दी वो कर दी है ना। तो आप लोग भी मेरे साथ इसी जुन के साथ क्लास को कवर कीजिए, डेली क्लास चेंज मत करवाइए। सो मेरी प्रार्थना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम चेंज करने के लिए मत बोलिए। रात में थोड़ा जल्दी सो जाओ, लेकिन सुबह 5 बजे जरूर उठ जाओ, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन से देश है। सबसे पहले जब आप लोग ऐसा मैप दे दिया, और यही मैप आपके पीडीएफ में दे देंगे ताकि आराम से कवर कर लेना, लेकिन समझ लो एक ऐसा देश है जिसको उंगली है ये काम करवाने की, भाई कौन सा है। जब भी ये ग्रेट ब्रिटेन बनेगा सबसे पहले याद रखना ग्रेट ब्रिटेन के बारे में जीबी। तो जीबी में कौन कौन से देश आते हैं, सबसे पहले आपका स्कॉटलैंड। मेरे साथ साथ सब लोग लिख लो ताकि बाद में पीडीएफ को पढ़ने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपका स्कॉटलैंड आता है, उसके बाद आपका वेल्स, WALES वेल्स इसमें जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका इसी में यहां पर हम लोग इंग्लैंड को जोड़ते हैं, किस देश को, हम लोग यहीं पे आपके इंग्लैंड को जोड़ते हैं। और इंग्लैंड के बाद सर कोई देश आता है, तो कोई देश नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जब भी पूछा जाए तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये चार तीनों के तीनों जोड़ते हैं। लेकिन जब यही कंडीशन जुड़ जाती है यूनाइटेड किंगडम में, जब यही कंडीशन जुड़ जाती है आपके यूनाइटेड किंगडम में, तब कौन कौन से देश जुड़ जाते हैं। तो मेरे भाई ये तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, बस एक देश और जुड़ जाता है, एक देश आपका और जुड़ जाता है। तो सर उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम क्या होगा, तो देश का नाम होगा स्कॉटलैंड एड, वेल्स एड, इंग्लैंड एड। और जैसे ही आप लोग इसी लाइन पे जाओगे तो एक देश जुड़ेगा, नॉर्दर्न आयरलैंड। कौन सा, नॉर्दर्न आयरलैंड जो देश होगा वो भी इसमें जुड़ जाएगा। वैसे ये पूरी की पूरी जो प्रतिक्रिया है ये बन जाएगी आपके किसमें, चार देशों के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम में। अब इससे बाहर कुछ नहीं, इंग्लैंड अपना अकेला है, इसकी राजधानी आपकी यहां पर लंदन है। अब बात समझ में आई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए तो हमेशा क्वेश्चन का आंसर इंग्लैंड ही करना, इंग्लैंड, क्योंकि जब भी इन देशों से क्वेश्चन आते हैं तब आपको अलग से बता दिया जाता है। लेकिन इसमें मिला के कभी मत पढ़ना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ब्रिटिश आयरिश के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें भी फेयर है, इसमें जो आपका आयरलैंड है, दो आयरलैंड है, एक है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड और एक है आपका रिपब्लिक आयरलैंड। क्योंकि रिपब्लिक जो आयरलैंड है वो किसका हिस्सा नहीं है, तो याद रखना वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन अगर हम लोग बात की जाए नॉर्दर्न आयरलैंड की, तो ये किसका हिस्सा बनता है, तो याद रखना ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा तो बनता है लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं बनता। किसका, ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं बनता। अगला क्वेश्चन सर क्या होगा, अगला है यही मैप के नीचे जब आप जाओगे तो यहीं पे आपका इंग्लिश चैनल स्थापित है। तो भारत की प्रथम महिला का नाम बताइए जिन्होंने आपके इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। इंग्लिश चैनल का नाम बताइए जिसको, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम आपको बताना है, फटाफट से कमेंट में आंसर दो। उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि इंग्लिश चैनल किन किन देशों को अलग करता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए इंग्लिश चैनल के बारे में, इंग्लिश चैनल को द चैनल के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का तट समुद्री क्षेत्र है। इसको ये किन किन दो देशों को अलग करता है मेरे भाइयों,
तो क्या याद रखोगे मेरे भाइयों? सभी सारे के सारे नोट कर रहे ना, जो आपका पूरा एरिया है तो इंग्लैंड के दक्षिणी तट को याद रखना, इंग्लैंड के जो नोट बता रहे हैं वही याद रखना मेरे भाइयों, भूल मत जाना, इंग्लैंड के दक्षिणी तट को, इंग्लैंड का जो दक्षिणी तट है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के, यहां पे कौन सा देश और आता है, फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र से, फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र से, फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र से अलग करता है। किससे अलग करता है? तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं, अलग करता है। किस कौन कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहले इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड के दक्षिण क्षेत्र को, इंग्लैंड सिर्फ इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम मत कर देना, सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लैंड का जो दक्षिण एरिया बनता है ये सिरा, ये किससे अलग कर देता है? तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे फ्रांस है, मैप कटा है, ये फ्रांस है, फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र को किससे अलग कर देता है? इंग्लैंड के दक्षिण क्षेत्र से, छोर से अलग कर देता है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम क्या था? तो आरती सहा इनका नाम था, नाम नोट किया जाए, आरती सहा, आरती नहीं, आरती सहा इनका नाम है, और ये एशिया, भारत के साथ साथ एशिया की पहली महिला बनी थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। किससे? तैरकर पार किया था। काफी लोगों का आंसर भी आ रहा है, और जिसका ना आ रहा वो लिख लेना, कि जब भी ये चीजें अपडेट होती हैं तो पुरानी हिस्ट्री आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, जो हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। सर एनडीए के लिए जीके पढ़ा रहे हैं शंकर कुमार जी, अच्छा सभी एग्जाम्स के लिए आप कवर कर सकते हो मेरी क्लास में। हाल में राजनाथ सिंह द्वारा समापन किया गया आरमैक्स 21 अभियान को किस राज्य में समाप्त किया गया है? सबसे बड़ी बात कि सर आरमैक्स 21 अभियान किस चीज से संबंधित है, आरमैक्स 21 अभियान किस चीज से संबंधित? सर जी अपनी क्लास एमपीपीसीएस में चीरफाड़ कर दी, अच्छा हाँ बिल्कुल कर दी। एग्जाम्पल लवर जी पुराना पेपर उठा के, क्योंकि हम एकमात्र ऐसे टीचर बनेंगे जो यहां खड़े होकर चैलेंज दे देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे, हम प्रूफ खुद को कभी नहीं करेंगे, प्रूफ आप करोगे, सिलेक्शन लेके आप आओगे, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जिसका सिलेक्शन होगा वो मिलने जरूर आएगा बस। ठीक है, तो एमपीपीसीएस का एग्जाम पेपर उठाओ, और एक बार हम तो नहीं कहेंगे, आप लोगों से कह रहे हैं एमपीपीसीएस का पेपर उठाओ, किसी भी शिफ्ट का कोई भी उठा लो और पेपर उठा के एक बार चेक कर लेना कि सर ने जो पढ़ाया वो कितना आया। उल्टा होगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया जो विशाल सर ने पढ़ाया ना हो, ये होगा, पेपर उठा के देखना। तो याद रखना, हाल में राजनाथ सिंह द्वारा समापन किया गया आरमैक्स 21 अभियान को किस राज्य में समाप्त किया गया? क्वेश्चन जो बनेगा वो उत्तराखंड बनेगा। कहां पर? इसको उत्तराखंड में क्या किया गया था? समाप्त किया गया है। लेकिन यहां पर सर दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग आरमैक्स की बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए आरमैक्स के बारे में, मेरे भाई नोट करना, बड़े कायदे की बात है और ऐसी बात है जो झुरझुरी मिटाएगी। लेकिन सर जी कौन सी झुरझुरी है जो आप बार बार कहते हो? मेरे भाई वही झुरझुरी है, वही वाली, सिलेक्शन वाली। तो सबसे पहले आरमैक्स 21 का जो शुभारंभ है, काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? कारंकोरा दर्रा तो पहुंच जाओ लद्दाख में, लद्दाख में, लद्दाख की सेना के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। लद्दाख के द्वारा कब किया गया? मई 2021 में। उसके बाद यही समारोह यहां की नदियां, जितने भी आपके दर्रे, जितना भी आपका रेनफॉल, जो भी आपके नेशनल पार्क, जो भी आपके ऐसी एरिया जहां पे घुसपैठ होती है, उन सब में ये अभियान चलाया गया। और किसके साथ? मार्कोस कमांडो। किसके साथ? मार्कोस कमांडो भारत के सबसे शक्तिशाली कमांडो हैं, वो भी इसमें साथ थे। तो याद रखना आरमैक्स 21 में। उसके बाद ये अभियान वहां से चलता चलता कहां पहुंचा? तो याद रखना ये उत्तराखंड में पहुंचा। कहां पर? उत्तराखंड में पहुंचा। और उत्तराखंड में इसका अंतिम जो सत्र था वो आपके 6 जुलाई को कर दिया गया, 6 जुलाई 2021 को इस अभियान को समाप्त किया गया। लेकिन पूर्णतः समाप्त ना होकर इस अभियान का जो समाप्तिकरण है वो राजनाथ सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा 23 से 24 जुलाई को,
23 से 24 जुलाई 2021 को कहां किया गया? तो याद रखना दिल्ली में किया गया। कहां पर? दिल्ली में इसका अंतिम शस्त्र सत्यापित किया गया। लेकिन सबसे क्वेश्चन पूछा है कि समाप्त कहां किया गया था, तो यह लद्दाख से स्टार्ट हुआ और उत्तराखंड में इसकी समाप्ति कर दी गई थी और अब जाकर राजनाथ सिंह ने इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। इतना आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? पॉइंट की चीजें समझ में आई तो याद रखिएगा आपका कैंपेन जो था इसका नाम था RMX 21, जो आपकी तस्वीर आपके सामने, ताकि आप कभी भी क्वेश्चन को भूल ना पाओ। महेंद्र लोधी जी कह रहे हैं, सर प्लीज बताइए, मेरे भाई हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। सर वुमेन मिलिट्री के लिए भी पढ़ सकते हैं क्या? महेंद्र जी बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि SSC GD में भी आपकी वुमेन मिलिट्री आई है। ठीक है, सभी के लिए है। बाय सर। भैया शुक्रिया आपका, जो आप आए हैं, निकलिए आप, है ना, आपकी इच्छाएं देखिए, हम आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका उत्तराखंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नोटिस आपका है आज जो कवर होगा। सबसे पहले इस इमेज को देख के, सबसे पहले इमेज को देख के एक ताकत मन में आती होगी कि सर वक्त आ चुका है कुछ करने का, वक्त आ चुका है सीने में आग लगाने का, और वक्त आ चुका है, लाजमी है ये काम, दिल और दिमाग के बीच में, दोनों के बीच में बगावत होना जा रही है, क्योंकि SSC GD के एग्जाम जो आपके फॉर्म चल रहे थे वो फिल हो चुके हैं, काम स्टार्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है RMX 21 में घुसपैठ हम लोग घुसेंगे। सबसे पहले जो लोग मेरी बातों को समझ ना पाते हो वो इस क्वेश्चन को देख लें। इस अभियान की शुरुआत, क्योंकि आज उत्तराखंड पूरा समाप्त होगा, इस अभियान की शुरुआत 10 मार्च 2021 को लद्दाख के काराकोरम दर्रे में। अब यही क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा कि किस राज्य में स्थित है काराकोरम दर्रा, किस राज्य में स्थित है काराकोरम दर्रा, तो जितने भी लोग हैं सारे के सारे इस क्वेश्चन को लिख लें कि काराकोरम जो दर्रा है वो आपके लद्दाख में स्थित है। अगला पॉइंट है इस अभियान को उत्तराखंड के मलारी में 6 जुलाई 2021 को समाप्त कर दिया गया। 119 दिनों में 1660 किलोमीटर की दूरी यहां पर क्या की गई है, तय की गई है। अभियान के दौरान दल ने 5000 से 6500 मीटर के कई दर्रों, ग्लेशियरों, घाटियों और नदियों की यात्रा की है। क्या की है? यात्रा। लेकिन सच बात तो यह है, हमारे आर्मी के जवान, हमारे सुबीर शाह जी, अमर चंद्र जी, मोनिका ठाकुर जी, आशुतोष यादव जी, हमारी आदत क्या है, अपने साथ साथ अपने देश की रक्षा करना। तो सभी लोग जानते हो यहां पर इसी दल ने वहां पहुंचकर अपने भारत की क्या की थी, प्रॉपर तरीके से रक्षा की थी। क्या की थी? रक्षा की थी इसी एरिया से। तो इतना आप लोग मैटर याद रखोगे। इसका अंतिम जो शस्त्र है वो उत्तराखंड में, लेकिन राजनाथ सिंह ने इसका पूर्णतः शस्त्र जो समाप्त कर दिया अभियान को ही, वो आपके कहां किया गया, दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट लेवल पे खेलते हैं उत्तराखंड को। सबसे पहले मिशन हौसला, अब उत्तराखंड ऊपर डालो, नीचे लिख लो विशाल सर का पोस्टमार्टम, लिखिए मिशन हौसला का शुभारंभ कहां किया गया। मिशन हौसला का शुभारंभ उत्तराखंड की पुलिस जो होती है उनकी मदद के लिए, तत्पर जो लोग होते हैं उनके लिए मिशन हौसला का शुभारंभ उत्तराखंड ने किया। अगला क्वेश्चन, इस टैंक का शुभारंभ सर कहां किया गया, फुल फॉर्म देखना, साइंस जो टीचिंग जो टर्म होती है इंजीनियरिंग मैथ, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्टेम अभियान का शुभारंभ किसने किया, उत्तराखंड ने किया। किसने? उत्तराखंड ने किया। अगला, भारत का पहला हीलिंग सेंटर। सर हीलिंग सेंटर का मतलब क्या होता है, अकेलापन। आप क्या करते हो, वादियों में जाते हो, उत्तराखंड, देहरादून, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, जब ऐसी जगह जाते हो क्या करने जाते हो, कि आपको शांति मिले, इसीलिए वनों क्षेत्रों में, ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, जो वन क्षेत्र होते हैं वन क्षेत्रों में अकेलापन और अच्छा महसूस करने के लिए भारत का पहला हीलिंग सेंटर कहां बना दिया गया, तो उत्तराखंड में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ने घोषणा की थी उत्तराखंड का कौन सा जिला था, चमोली, वहां पर क्या हुआ था, हिमखलन, और हिमखलन के बाद में यूकॉस्ट के द्वारा। सर ये यूकॉस्ट क्या होता है, तो उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने घोषणा की कि हम अपने देश की
हम अपने राज्य की जो क्षेत्रीय मतलब परिकल्पनाएं होती हैं उनकी रक्षा करने के लिए खुद का साइंस म्यूजियम की स्थापना करेंगे चमोली जिले में। कहां पर? चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल चाइल्ड डे 24 जनवरी के दिन इनको नाम है सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। यह हरिद्वार की रहने वाली हैं और किन के कार्यकाल में बनाया गया? तो तीरथ सिंह रावत के। अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टी राइट्स। तो याद रखना, भारत का पहला राज जिसने पुत्री को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दे दिया, ऐसा करने वाला पहला राज उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में, भारत का पहला स्नो लेपियार्ड कन्वर्सेशन सेंटर का शुभारंभ उत्तराखंड में। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने क्या कर दिया है, इकोलॉजिकल, जो यहाँ की जीडीपी होती है, जीडीपी की तर्ज पर पर्यावरण का मापन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो याद रखिएगा, तो भी आपका उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना। ये पॉइंट बहुत जरूरी आप सभी के लिए है कि सर जी भारत का पहला राज्य ऐसा कौन सा था जिसने जीडीपी को आपकी किसके तहत नाप दिया? तो जीडीपी को इन्होंने एनवायरमेंट के साथ नाप दिया, ऐसा करने वाला पहला राज उत्तराखंड होगा। अगला है जो अपडेटेड अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा आपने, इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोगेनिक गार्डन का शुभारंभ कहां किया गया? तो भारत के पहले क्रिप्टोगेनिक गार्डन का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया। कहां पर? उत्तराखंड में किया गया। आप में से एक बार जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट करके ये बता दें कि उत्तराखंड में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है। 355 लोग जो हमें दिख रहा है शायद, तो जितने भी लोग आप लोग हों, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे होगी, क्योंकि इसी श्रेणी में टॉप 10 क्वेश्चन को करेंगे और टॉप 10 के माध्यम से एक साल की करंट अफेयर आपके अंदर जाएगी। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोग कर सको तो मिलके एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आप कर सकते हो तो सेशन को एक बार मिलके शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक भी करते चलना, अगर आपकी थोड़ी सी दया हो जाए। या अपनी मेरी क्लास आपकी क्लास है, ये उन जवानों की क्लास है जो अपने माँ बाप के लिए क्लास के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो एक बार है ना, एक बार कर दो कमेंट, शेयर कर दो क्लास को। तो तीन तीन आंसर आ रहा है, टोटल मंडलों की संख्या तीन है, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरे मंडल का शुभारंभ तो हुआ था, पहला मंडल का नाम या स्थापना किस वर्ष की थी, इसको है पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड भाई के पास। उत्तराखंड में जैसे ही पहुंचे, सबसे पहले उत्तराखंड सर बना कब था? 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को अपना उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। कौन सी है? देहरादून। सर जी अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम। तो याद रखना, नाम उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो थे वो बदल गए हैं और नए बने हैं, उनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है, पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है। सर यहाँ के गवर्नर का नाम? तो भैया गवर्नर वही है, नाम है बेबी रानी मौर्य। नाम क्या है? याद रखना बेबी रानी मौर्य इनका नाम, बेबी रानी मौर्य इनका नाम हो जाता है। अब यहां आती है बात जरूरी वाली। तो उत्तराखंड के टोटल तीन मंडल हैं, कौन कौन से? पहला मंडल का शुभारंभ वर्ष 1854 में किया गया था, इसका नाम है कुमाऊ। नोट किया जाए, पहले मंडल का नाम कुमाऊ है, इसका शुभारंभ 1854 ईस्वी में उत्तराखंड के द्वारा किया गया था। दूसरे मंडल का नाम है गढ़वाल, दूसरे मंडल का नाम है यहां के गढ़वाल, और गढ़वाल जो मंडल है इसका शुभारंभ 1969 में किया गया था। तीसरा मंडल जो बना है इसका नाम है गैरसैंण, इसका नाम है, और गैरसैंण जो है इसका जो शुभारंभ है वो 2021 में किया गया। कब किया गया? 2021 में, जो उन जिलों को मापेगा जहां पर सबसे ज्यादा हिमखलन व भूस्खलन होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तराखंड कुल मिलाकर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये थी बात उत्तराखंड की। लेकिन उत्तराखंड के अभी हाल में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं नए? तो याद रखना, राघवेंद्र चौहान, राघवेंद्र सिंह
चौहान जो साहब हैं अपने राघवेंद्र सिंह चौहान, वो यहां के अभी हाल के नए हाई कोर्ट के जस्टिस बन गए हैं। ठीक है, इतना आपको उत्तराखंड से याद रखना है। चलते नेक्स्ट पे, अगला क्वेश्चन कौन है जो कहता है कि मेरी चिड़फाड़ करो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चिल अल्लो भाई, आज हो गया काम, कोई बात नहीं, अब थोड़ा पतला दिखेगा आपको, थोड़ा पतला दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगर दिक्कत हो पतले से तो बता देना, क्योंकि यार ये कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे पाकिस्तान बह जाए, लेकिन क्लास बंद नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में किस राज्य के कछार जिले को पुष्टि निभौर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है? किस राज्य को भी हाल में, किस राज्य के कछार जिले को पुष्टि निभौर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है? सबसे पहले स्कॉच से याद रखना, अभी हाल में किसको स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर चुना गया था, तो वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश को जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको यह अवार्ड मिला था। क्लियर, लेकिन वहां नहीं जाना, खिचड़ी कहीं और पकेगी। क्वेश्चन का आंसर होगा असम को, असम में स्थित है कछार जिला, और इस राज्य को पुष्टि निभौर के राष्ट्रीय रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर अब आपसे पूछा जाए असम बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, कुछ सीमा साझा करता है अपना असम, याद है ना, कुछ सीमा अपना असम साझा करता है। तो असम की अगर बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर आता है आपका मेघालय, कौन सा, मेघालय, और मेघालय कुछ ऐसा होके निकल लेता है, इसके ऊपर है असम, उसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। तो असम जो इस साइड से टच होता है यहां की सीमा पर बांग्लादेश और असम दोनों मिलकर इस सीमा पर उन आहारों को बनाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, और इसी पौष्टिकता के क्षेत्र में राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया जाता है। बात समझ में आई। अगला सर जी पॉइंट असम, ये तो हो गया आपका, नेक्स्ट है असम आपकी स्क्रीन पे हो गया। यहां पे पॉइंट जो देखोगे, जो सब्जियां होती हैं, पौष्टिक आहार होता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी आहार, चाहे हम लोग सब्जियों की बात करें, चाहे हम लोग किसी भी प्रकार के फल फ्रूट्स की बात की जाए, चाहे हम लोग किसी भी हरी सब्जियों की बात की जाए, या हम लोग अपने ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए, किसी भी प्रकार की जो मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से चीजें बनाई जाती हैं, वो यहीं पर बनाई जाती है, इसी सीमा पर, इसीलिए इस पुरस्कार को दिया गया है। नेक्स्ट है कछार जिले को मिला राष्ट्रीय रजत पुरस्कार, स्कॉच पुरस्कार। यह एक पिछवाड़े उद्यान परियोजना है जिससे बांग्लादेश सीमा पर दीनाथपुर बगीचा गांव में पौष्टिक पौधे और सब्जियों का उपभोग करने में सक्षम है यह परियोजना। नेक्स्ट है कछार असम की उपायुक्त कीर्ति जल्ली को कुछ दिनों पहले ही यही पौष्टिक निर्भर पोषक स्तर पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत पुरस्कार मिला था। इतना पॉइंट आपको इससे याद रखना है, लेकिन जो बताया था, बताने और लिखवाने में फर्क होता है, इसीलिए कहते हैं ये बातें वो हैं जो लिखी हुई होती हैं, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं है, जो हम बताया करें उस पर ध्यान दिया करो। समझ में ना आए तो इसको देख लो, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट भर दो कि सर समझ नहीं आया, लेकिन कमेंट तभी करना जब रियलिटी में आपसे कुछ पूछा जाए, कोई चीज समझ में ना आए, क्योंकि आप लोग बेस्ट से बेस्ट मेरी क्लास में हो, क्योंकि आप लोग आज तो फास्ट है, अच्छा फास्ट नहीं है, स्लो ही है ना, तो आप लोग वो बेस्ट हो जिसकी हमें कामना थी कि आप लोग मेरी क्लास में आइए, क्योंकि जितने भी मेरी क्लास में रहेंगे 100% सिलेक्शन देने का मेरा काम रहेगा, क्योंकि आज एसएससी जीडी का पूरा पोस्टमार्टम होगा, कैसे क्या आपके लिए किया जाएगा। असम का पोस्टमार्टम है, सबसे पहले असम में दो नए, सबसे पहले क्या बने थे, नेशनल पार्क, पहला आपका देंग पटकाई न्यूली डिक्लेयर्ड हो गया है, इसी प्रकार से अगला बनेगा आपका राय मोना नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क बन चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया के सबसे छोटे सुअरों को भारतीय राज्य के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया, एक बार कमेंट कर दो, जो भी लोग पढ़ते हो एक बार कमेंट कर दो, भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है उसके नेशनल पार्क में, उसके सर नोट कैसे करें, सर कैसे नोट करें, मतलब हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हो, हे भगवान। बात तो सही है, क्योंकि हम एक घंटे 30 मिनट में इतना कंटेंट देते हैं जितना एक 10 रुपए वाली कॉपी में कंटेंट आपको लिख के बुक दी जाती है, उतना कंटेंट एक क्लास में दे देते हैं। पॉसिबल नहीं है ऐसा होना, लेकिन हम पॉसिबल बना देते हैं, क्योंकि पूरे दिन इस पे काम होता है। असम आंसर आ रहा है, असम, गुड मॉर्निंग सर, भाई साहब है असम यार, गुड मॉर्निंग कहां आ गए बीच में, गुड मॉर्निंग नहीं होनी चाहिए तो सिर्फ जय हिंद, देश
के प्रति दिल दिमाग में हमेशा बगावत रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए करना है तो सबसे अच्छा करना है। छिन्नियां जॉब आपकी बार, मासनस नेशनल पार्क, करेक्ट। सबसे पहले देखना, अरे यार कहां गया, हाँ आपका जो मानस नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे छोटे 8 सुअरों को छोड़ा गया है। सर कैसे दिखते हैं, दिखाएंगे अभी, ठीक है दिखाएंगे। अगला करंट अफेयर क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली आपका आया था, हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की है कि असम सीएम हेमंत बिस्वा एज योर गवर्नमेंट जॉब एंड स्पोर्ट पेंशन, इन्होंने 8,000 रुपए से 10,000 रुपए कर दिए हैं। स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं उनकी पेंशन बढ़ा के 8,000 से 10,000 कर दी है। और ये कहा है कि जितने भी मेडलिस्ट होंगे, जितने भी जो लोग मेडल जीत के लाएंगे, उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी असम के अंदर गवर्नमेंट जॉब इनको दी जाएगी। सर जी बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन नोट किया जाए, असम में अभी हाल में क्या किया गया मेरे भाइयों, तो याद रखना रबर का ट्रायल किया गया है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि भारत का पहला ऐसा राज्य बताइए जिसमें रबर का ट्रायल करने की घोषणा की गई थी, तो केरल में की गई थी। तो याद रखना यह क्वेश्चन वो है जो आपने, गारंटी है मेरी, आपने सिर्फ असम पढ़ा होगा, केरल किसी ने छुआ नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो रियलिटी में था वो केरल था, ना कि असम। लेकिन केरल ने यह कहा कि हमारा जो एनवायरमेंट है ये उपयुक्त तौर पर नहीं हो सकता, यहां पर इस एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो क्या किया गया है, असम से हटाकर इसका शुभारंभ असम, केरल में हटाकर इसका शुभारंभ असम में कर दिया गया, जो पहला रबर जो सेटअप होता है उसको लगाया गया आपके असम में। अगला क्वेश्चन ये देखो, आपके सुअर जो चूहे दिख रहे हैं ना, ये चूहा नहीं है, और इसका छोटी लंबी लंबाई में जानते हो, तो जितना आपका यहां कुछ, हाँ ये रिमोट रहा, इससे भी छोटा ये सुअर है, ये सुअर है और इस रिमोट से भी छोटा सुअर है, और ये 8 सुअर है, इनको अभी हाल में छोड़ा गया है असम के मानस नेशनल पार्क में, क्लियर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, असम ने अभी हाल में क्या किया है, रिप्लिकेट भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। असम ने कहा है कि हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से भारत रत्न, पद्मभूषण और पद्मश्री दिया जाता है, उसी प्रकार से असम ने कहा है कि हम पद्म भारत रत्न की जगह पर असम रत्न देंगे और पुरस्कृत में 5,00,000 रुपए राशि देंगे। पद्म विभूषण नंबर 3 पे आता है, इसमें क्या देंगे, तो याद रखिएगा एक सीरीज अलग होती है भारत रत्न की, और 3 अलग होते हैं। तो 5,00,000 रुपए भारत रत्न की जगह पर असम रत्न देगा असम। अगर ये देंगे पद्म विभूषण तो इसमें ये लोग 3,00,000 रुपए राशि देंगे। अगर किसी को देंगे पद्म भूषण तो उसको 2,00,000 रुपए देंगे, और जिसको मिलेगा पद्मश्री उसको 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। ये श्रेणी याद रखना, भूल मत जाना। लेकिन भारत रत्न जो होता है उसकी जगह पे असम रत्न में 5,00,000 रुपए इनके द्वारा दिए जाएंगे। भाई साहब मजा आ गया, गर्दा आग लग गई। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का शुभारंभ कहां किया गया, तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का शुभारंभ 3,500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। लेकिन असम ने काम गलत किया है, असम ने यह कहा है कि अप्रैल के बाद मरने वाले जो माता पिता हैं उनके बच्चों को यह सेवा दी जाएगी। ये तो गलत है ना, इससे पहले वाले क्या करेंगे मेरे भाई, है ना, सोचना चाहिए था। लेकिन भाई क्वेश्चन आया तो हम लोगों ने चिपका दिया। अगला पोस्टमार्टम छोटा वाला, असम की सर जी राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी क्या होती है, असम की राजधानी भैया हमारे दिसपुर है। सर जी असम कब बना, तो भैया बना 26 जनवरी 1950 को, मारा असम बनके तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन, असम सर जी असम हाँ कुछ छूट रहे हम लोग, जो अवार्ड है, अवार्ड लिखना, इस अवार्ड की स्थापना 2003 में की गई थी, 2003 याद था, ये जो सोच अवार्ड था इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, ये लोग आप लोग नोट कर लेना। असम हो गया, दिसपुर हो गया, क्या बचा है, यहाँ के सर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम, तो चीफ गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी, गवर्नर का नाम क्या है, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर का नाम है। सर चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मेरे भाइयों, हेमंत बिस्वा शर्मा, नाम क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है। सर अगला क्वेश्चन, सर जी
विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 126, 7 और 14। 126, 7 और 14, ये ट्रिक कौन सी है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा विधानसभा में जो होता है वी, उससे कम मतलब मध्यांतर, और मध्यांतर जो बीच का होता है ये होता है राज्य। और अगर 14 की बात की जाए, जो दो नंबर पे आता है ज्यादा संख्या में, तो ये होता है एल। और हमेशा याद रखना, राज्यसभा की सीटों की संख्या लोकसभा की सीटों की संख्या से हमेशा कम होती है। या कहने का मतलब है कि लोकसभा की सीटें राज्यसभा से ज्यादा होती हैं। तो याद रखना, विधानसभा की 126 है, राज्यसभा की 7 है, लोकसभा की 14 है। और आप लोग कहोगे सर यहाँ की और भी बता दो कि यहाँ पे कौन कौन चीजें स्थापित की गई हैं, तो वो चीज ऐसे मत लिखना, एक राज्य डेली कवर कराएंगे, ठीक है? आज भी कोई राज्य आया है जो स्टैटिक फिस्टैटिक सारी खत्म होगी एक बार में। एक क्वेश्चन यहाँ से और निकलता है, सर यहाँ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखना, सुधांशु धूलिया। क्या है इनका नाम? सुधांशु धूलिया इनका नाम हो जाता है। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जहां पे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और असम और अरुणाचल प्रदेश, ये पांच के पांचों राज्य लगते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा सातवां, लाडला। हाल में भारतीय विद्यार्थियों को सुविधा, लो भाई एक ऐसा क्वेश्चन जो एक देश से कहता है कि आजा भाई हम निपटाते हैं। तो याद रखना, हाल में भारतीय विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिए किस देश में पहला नीट स्नातक परीक्षा केंद्र खोला गया है? ऐसा पहली बार किया गया किसी देश में, वो भी खाड़ी के देश में। कहां पर? खाड़ी, यूएई खाड़ी का देश, कुवैत खाड़ी का देश, बहरीन खाड़ी का देश और सऊदी अरब भी खाड़ी का देश है, जिसको हम लोग गल्फ कंट्री कहते हैं, GULF, गल्फ कंट्री के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, पहला नीट स्नातक परीक्षा केंद्र खोला है, इसका शुभारंभ अभी हाल में सऊदी अरब यानी कि दुबई में किया गया, सॉरी, अरे यार, इसका शुभारंभ अभी हाल में कहां किया गया? तो मेरे भाई, अरे यार, इसका और आजा यार, अबे इतने लोग देख रहे हैं, कूट देंगे भाई साहब, आजा, आ गया। याद रखना, नीट स्नातक परीक्षा केंद्र जो है इसका शुभारंभ यूएई में किया गया। कूट तो देते ही ना, अगर भाई साहब ये खुलता ना तो आप सभी लोगों से इसकी कुटाई करवा देते, है ना? तो क्वेश्चन का आंसर यूएई, और यूएई में इसका शुभारंभ दुबई में किया गया। कहां पर? दुबई में इसका शुभारंभ किया गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट जो टेस्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन में, इसका शुभारंभ फर्स्ट नीट सेंटर इन दुबई, किसी बाहरी देश में किया गया, दुबई में। सर ऐसा क्यों किया गया? तो याद रखिएगा, अभी हाल में दुबई में ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अपने भारत के जो भी छात्र हैं वहां पर पढ़ते तो है, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी भी कमियां होती हैं। इन कमियों के लिए, इन कमियों की वहीं पर निपटारा करने के लिए अभी हाल में इसका शुभारंभ किया गया आपके दुबई में। इसी के साथ फर्स्ट नीट एग्जामिनेशन सेंटर इन दुबई, ये एक प्रकार का एग्जामिनेशन सेंटर है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं, हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि पेट्रोल मंत्री को आप लोग शिक्षा मंत्री बना दोगे? यार समझने वाली बात है, पेट्रोल मंत्री को शिक्षा मंत्री बना के यार क्या हो सकता है, मैं समझ नहीं आता, है ना? अजीब नाम है इनका, तुलसा सिंह जी, इसलिए क्योंकि अभी जब तक एग्जाम नहीं हो जाते ट्रिपल एससी तक, तब तक ये ऐसे ही कवर करो, ठीक है? तो याद रखना, धर्मेंद्र प्रधान ने नीट स्नातक परीक्षा 2021 के लिए दुबई में एक सेंटर खोला, ठीक है सर जी। उद्देश्य क्या है? खाड़ी देशों में भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों को और अधिक सुविधा प्रदान की जाएगी। खाड़ी देशों में भारतीय जो विद्यार्थी हैं उनको और अधिक क्या प्रोवाइड कराई जाएगी? सुविधा प्रदान की जाएगी, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है पोस्टमार्टम। याद रखना, जलगांव बनाना किस राज्य का है? तो जलगांव बनाना आपके महाराष्ट्र का है, जिसको जीआई टैग प्रदान हो चुका है। सबसे पहले कि सर जी, जलगांव बनाना किस राज्य का जिसको जीआई टैग मिला? तो ये महाराष्ट्र का है। और यह केला अभी हाल में कहां भेजा गया? तो यूएई में भेजा गया। कहां पर? यूएई में भेजा गया। अगला, आईपीएल 2021 इन यूएई, जो आईपीएल रह गए हैं वो सारे के सारे कहां होंगे? तो यूएई में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन याद रखना, भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने यूएई का शेख जायदेन अवार्ड से सम्मानित किया गया,
शेख जायदन अवार्ड अभी हाल में किसे दिया गया और ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बनी है, नाम है तायरा कुतुबुद्दीन। नाम याद रखना, तायरा कुतुबुद्दीन नाम है। इन्होंने अभी हाल में अरबिक ओरेशन लिखा है आर्ट एंड फाउंडेशन के बारे में। इनको भी हाल में शेख जायद अवार्ड से सम्मानित किया गया और शेख जायद यूएई के पहले राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर इस अवार्ड को रखा गया है। क्लियर सर? एक क्लास खिलो पर लाइए। अच्छा ठीक है, ला देंगे। अगला द गोल्डन कार्ड। तो सर जी, द गोल्डन कार्ड हमने आपको कल की करंट अफेयर क्लास जो वीकली हुई थी उसमें भी आपको पूरा डिटेल बताया था। तो द गोल्डन कार्ड को किसने, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखना, गोल्डन कार्ड को जारी किया यूएई ने। इसके बाद ग्रीन पासपोर्ट जारी किया है चाइना और चाइना इजराइल ने। इसी के साथ आपका H1B कार्ड लॉन्च किया है, आपके H1B कार्ड लॉन्च किया है H1B कार्ड लॉन्च किया है आपके यूएसए ने। इसी प्रकार से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला देश आपका जापान, दूसरा देश आपका सिंगापुर और भारत अब की बार 58वें नंबर पे आया है। किस पे? सॉरी 90वें नंबर पे आया है। इतना आपको याद रखना है। और गोल्डन कार्ड प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति संजय दत्त, भारत के दूसरे व्यक्ति शाहरुख खान, भारत के तीसरे पर्सन, तो याद रखना नाम है इनका हॉकी प्लेयर टेनिस सानिया मिर्जा। तीसरा जो कार्ड है गोल्डन कार्ड वो मिला है किसको? तो आपके सानिया मिर्जा को। लेकिन पहली महिला तो सानिया मिर्जा। तो ये तीनों को आप लोग याद रखना, ठीक है? और इस तरह ये गोल्डन कार्ड होता क्या है? तो गोल्डन कार्ड जब भी किसी को मिलेगा जो नया लॉन्च किया है, इसके तहत जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो परचुअर होते हैं, जो अपने देश या किसी देश में जाकर क्या कर सकते हैं, जाके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए जितने भी आपके स्पेशल टैलेंटेड मैन होते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा नंबर 3 पे स्पेशल टैलेंट होता है उनके लिए, या रिसर्चर्स होते हैं या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता सकते हैं, ठीक है? साने में जगह नाम ना लो, मुझे नफरत है उससे। ओहो सॉरी भाई, है ना? अगला क्वेश्चन याद रखना, अभी हाल में भारत ने यूएई के साथ 2 एक्सरसाइज में भारत शामिल हुआ था, आईडेक्स में और नेवडेक्स में। आईडेक्स और नेवडेक्स में भारत ने अपना एक आईएनएस भेजा था और इस आईएनएस का नाम क्या था सर? तो याद रखना नाम था आईएनएस, यार क्या नाम था, एक बार नाम बताओ फटाफट से। अभी हाल में यूएई में कौन सा INS भेजा था और किस लिए भेजा था? आईडेक्स और नेवडेक्स एक्सरसाइज में। फटाफट से नाम बताओ। प्रलय, INS प्रलय को भेजा था। नाम क्या था? INS प्रलय को भेजा गया था। अगला है लुलू फाउंडेशन। याद रखना, भारत में पहली बार किसी यूनियन टेरिटरी में फूड प्रोसेसिंग सेंटर का शुभारंभ लुलू ग्रुप में किया, और ये लुलू ग्रुप फाउंडेशन कहां का है? लुलू ग्रुप फाउंडेशन यूएई का है। इसके जो आपके विख्यात फॉर्मेस्टिव हैं, जो यहां पर इसका काम करते हैं, उनका नाम है यूसुफ अली। इस कंपनी के जो सीईओ हैं, उनका नाम है यूसुफ अली। और यूसुफ अली किस राज्य के हैं? तो ये आपके केरल राज्य के हैं। और इसी व्यक्ति को 2021 में यूएई का एक अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट बेस्ट सिविलियन का अवार्ड दिया गया यूसुफ अली को, जो केरल के रहने वाले हैं। लेकिन लुलू ग्रुप फाउंडेशन जो कहां पर है? यूएई में, इसके अध्यक्ष हैं, और इनके द्वारा भारत का पहला फूड प्रोसेसिंग सेंटर किसी यूनियन टेरिटरी में तो यूएई में खोला गया। क्यों? क्योंकि यही लुलू ग्रुप फाउंडेशन भारत में सेब का आयात करता है। क्या करता है? सेब को ले जाता है भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से अपने यूएई में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले यूएई की राजधानी का नाम, भाई साहब सभी लोग जानते हो, अबू धाबी। प्रेसिडेंट का नाम खलीफा बिन जायद अल नहान। खलीफा बिन जायद अल नहान यहां की आपके पीएम का नाम हो जाता है, और प्रेसिडेंट का नाम क्या हो जाता है? उनका नाम प्रेसिडेंट का है खलीफा बिन जायद अल नहान, और पीएम का नाम है राशिद अल मुख्तोम। थोड़े क्वेश्चन जल्दी कवर करो। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की शूटर, क्योंकि अभी हमने आपको पूरा डिटेल बताना है, टाइम हो चुका है कितना, 6:12 हो चुका है, क्योंकि अभी हमने आपको एसएससी जीडी का डिटेल बतानी है, जल्दी कवर करो। किस राज्य की शूटर रोबिना फ्रांसिस ने पेरू पैरा स्पोर्ट कप में रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता है? पेरू की राजधानी लीमा में मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इनका नाम है रोबिना फ्रांसिस। इन्होंने भी हाल में
पेरू की राजधानी लीमा में पैरा स्पोर्ट में रिकॉर्ड बनाकर एक गोल्ड मेडल जीता है। और इनके द्वारा, याद रखना, इनके द्वारा कहां पर, पेरू में, ये कहां किया गया, पेरू में, और पेरू के नए राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, कल परसों में आपको पढ़ाए थे। इसी के साथ पारा और पेरू के साथ साथ हमने आपको जितने देशों में चेंजमेंट हो चुका है उनके बारे में भी आपको बता चुके हैं, सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हम कवर करवा चुके हैं और एग्जाम से पहले एक बार और कवर करा देंगे, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू रहोगे तो ही समझ में आएगा। अगला निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी रुविना फ्रांसिस जो मध्य प्रदेश से हैं ने पेरू में चल रहे पैरा एस्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। नोट, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2:38.3 अंक हासिल कर तुर्की के आयशा सेगुल को पहले वालार इनका नाम है का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने तुर्की की रहने वाली आयशा सेगुल इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कैसे, 2:38.1 अंक हासिल करके। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है अपने मध्य प्रदेश से। सर जी, मध्य प्रदेश का पोस्टमार्टम जल्दी से, मध्य प्रदेश में याद रखना यूनेस्को ने 2 आध्यात्मिक केंद्रों को जोड़ लिया है, एक ग्वालियर और एक आपका ओरछा, और किसके तहत जोड़ा है, तो अर्बन लैंडस्केप के तहत, अर्बन लैंडस्केप के तहत इसका पूरा जो काम होगा वो सर इसी के द्वारा किया जाएगा, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, वित्त पोषण। और तुलसा सिंह ज्यादा एडिटर ना बनो समझे, अच्छा जी आप लोग गुस्सा भी हो जाते हो। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया, कोवी सेव कर दिया, और इस सड़क पर COVID-19 से संबंधित सारी दवाइयां हॉस्पिटल्स उपलब्ध हैं। यह सड़क इंदौर में है, इसका नाम बदलकर कोवी सेव कर दिया गया। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने डकैत म्यूजियम, डकैती चोरी चपाटी वाले म्यूजियम का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कर दिया, डकैत म्यूजियम। अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत में अभी हाल में मध्य प्रदेश ने अपनी पहली रेल म्यूजियम का शुभारंभ किया है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला, स्वागत नहीं करोगे हमारा, कुनू नेशनल पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, जहां पर अभी हाल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीते को दोबारा लाया जाएगा जो भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन, और इसको ISO सर्टिफिकेट कब दिया गया, 2009 में, ये भारत की ऐसी साइड, एकमात्र साइड है 2009 में इसको दिया गया था कि इसमें चीते रह सकते हैं, 2009, नोट कर लेना, कुजनू नेशनल पार्क में। बाधव का टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व जहां पर नाइट सफारी का शुभारंभ किया गया, और नाइट सफारी के साथ साथ यहां पर क्या कर दिया गया मेरे भाइयों, यहां पर हॉट बबल सफारी का शुभारंभ किया गया। हॉट बबल सफारी से आप लोग इन शेरों को देख सकते हो, इसीलिए यहां पर अब बढ़ेगा रोमांस या पर्यटन। अगला क्वेश्चन, पंख अभियान का शुभारंभ बच्चियों के लिए कहां किया गया, यही किया गया, कहां किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। किल कोरोना अभियान चरण फर्स्ट 2020 चरण दो का शुभारंभ कहां किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। सांस अभियान का शुभारंभ कहां किया गया, तो सांस अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया। और मध्य प्रदेश में बहुत से अभियान लॉन्च किए गए हैं, लेकिन ये पहली स्लाइड थी, और 9 क्वेश्चंस के साथ साथ एक करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन एक रात से आपके अंदर। और आज के दिन पोस्टमार्टम है मध्य प्रदेश का, पोस्टमार्टम है आपके मध्य प्रदेश का, बड़े कायदे में निपटाएंगे मध्य प्रदेश को। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9, 10 क्वेश्चन के बाद निपटारा होगा मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किस देश में होगा, यहां पर किस देश में किया गया, ठीक है, किस देश में किया गया, तो याद रखना नीदरलैंड में। याद रखना, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का शुभारंभ नीदरलैंड में किया गया, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज का शुभारंभ नीदरलैंड में किया गया है। इधर नीदरलैंड के राजधानी एम्स्टर्डम कहां पे किया गया, एम्स्टर्डम में किया गया, जो नीदरलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज 3D प्रिंटेड और स्टील का बना हुआ है, किसका, स्टील का बना हुआ है। महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल पुल का अनावरण नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में किया गया। निर्माण ओजे जिज्ड आचर्ड बग्रवाल नहर पर किया गया, नहर का नाम क्या है, मेरे हिसाब से नहर आने योग्य तो एग्जाम में है, इसका नाम याद रखना कि यह किस देश में स्थित है, इस ये नहर, ठीक है, तो ये इस राजधानी में, यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम में स्थित है, इस नहर पर इसका शुभारंभ किया गया। ब्रिज का निर्माण
एस्टर्न बेस्ट 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी मैक्स 3D ने किया, जो 40 फीट लंबा तथा 6 टन स्टील की संरचना से बनाया गया है, आपके कहां पर, नीदरलैंड में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला ये आपका हो गया नीदरलैंड में। अभी हाल में टाटा ने, अपनी भारतीय टाटा जो कंपनी है TCS, जो आपका एग्जाम कराती है मेरे भाई एग्जाम, TCS ने पहला केंद्र खोल दिया है। कहां पर खोला है, आपके नीदरलैंड में। नीदरलैंड ने भी हाल में 2021 में क्लाइमेट एडेप्शन समिट का मेजबानी की थी। किसकी मेजबानी की थी, तो याद रखना क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021 की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड के साथ अभी हाल में भारत ने क्या किया था, डिकार्बोनाइजेशन पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन होगा, इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा मेरे भाई इनका नाम है मैक्स वेटरपन। एक क्लास में पूरा श्रेणी खत्म। याद रखना मैक्स वेटरमैन ने एमला रोमगाना ग्रापी का अवार्ड, मोनाको ग्रांड प्री का अवार्ड, फ्रेंच ग्रापी का अवार्ड जीता है। यह किस देश से है, तो यह आपके रेडबुल ड्राइवल है, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये तीन के तीनों अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नीदरलैंड में याद रखना नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं मार्क रूटे, जिन्होंने अभी हाल में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब इस्तीफा नहीं है, अब ये द्वारा बन गए हैं। राजधानी यहां की यूरो है, क्या है, यूरो यहां की राजधानी हो जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका नीदरलैंड आपके सामने, राजधानी कहां है आपकी, एम्स्टर्डम में। थोड़ा सॉरी फॉर दिस कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, 15 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश भी निपटाना है, और फिर आपका एसएससी जीडी भी बताना है। किस राज्य में स्थित एशिया की सबसे बड़ी दूध संस्थान बनास डेयरी 50 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी, और ये बनास डेयरी जो है ये आपके गुजरात में स्थित है। कहां पर है, गुजरात में ये बनास डेयरी स्थित है। क्लियर हो गया। बनास डेयरी गुजरात में स्थित है, ये एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है, और दूध की डेयरी किस देश को कहा जाता है, डेनमार्क को। किसको, डेनमार्क को। एशिया लार्जेस्ट डेयरी इंस्टीट्यूट बनास डेयरी, ये क्या करेगी, एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थान बनास डेयरी ने बिजली पैदा करने के लिए एक अलग सहकारी संस्था बनाने का फैसला किया है, और उद्देश्य है 50 मेगावाट के सौर संयंत्र 25% बिजली की कटौती कम करने में मदद करेगा। ठीक है, यहां पर और अधिक दूध उत्पादन होगा, और जो बिजली यूज होती है, पैसा यूज होता है, वो पैसा 25% इनको पैसा कम देना पड़ेगा, क्योंकि 25% तो बिजली ये खुद ही बना लेंगे। अगला पॉइंट इंग्लिश में आपका हो गया, मत आपके गुजरात में, याद रखना फर्स्ट इलेक्शन फॉर गर्ल चाइल्ड, सबसे बच्चों वाला इलेक्शन अभी हाल में कहां किया गया, तो पहला इलेक्शन गर्ल चाइल्ड के द्वारा आपके गुजरात में किया गया। अगला है रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां किया गया, तो याद रखना रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का शुभारंभ गुजरात में किया गया। गुजरात में NTPC के द्वारा सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जाएगा, 25 करोड़ रुपए जिसकी लागत होगी। अगला क्वेश्चन है, 194 क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छों को केवड़िया में स्थित एक झील है जिसका नाम है पंचमुखी लेक, तो याद रखना पंचमुखी लेक किस राज्य में स्थित है, तो पंचमुखी जो आपकी झील है वो आपके कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, जहां पे 194 मगरमच्छों को दूसरी जगह स्थापित किया गया है। कि सर अभिमन्यु बैच में है, हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, दीपक प्रजापति जी हम आपको भी एक मेल देंगे, उस मेल पे आप ये कमेंट कर देना, जो मेल हम आपको बाद में यहाँ ऑफिस में दिखा पाए, अभी हम आपको एक मेल दे रहे हैं इस क्वेश्चन के बाद, उस मेल पर ये बात कह देना, ठीक है मेरे भाई, और ID सब देनी पड़ेगी आपको, मेल कर देना, फिर आपको बताएंगे हम। कोई भी आप में से किसी को भी दिक्कत हो, आप मेल मेरी ले लेना, कभी भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आप हमसे कर सकते हो, 24 घंटे कभी भी मैसेज करना, हमेशा रिप्लाई आएगा मेरी तरफ से, और बात करना चाहो बात भी कर सकते हो। जेन काइजेन, इसी के साथ में आपकी काइजेन अकादमी, इन दोनों का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जो जापान की अकादमी है, कहां किया गया, आपके गुजरात में। और अंतिम क्वेश्चन गुजरात का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5-स्टार होटल स्टॉप का शुभारंभ किया गया है, कहां किया गया, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर। भाई साहब समझ रहे हो बात को, रेलवे स्टेशन के ऊपर इन्होंने 5-स्टार होटल का शुभारंभ कर दिया, यह भी आपको याद रखना है। राजधानी अगर पूछी जाए आपको, अगर आपसे राजधानी पूछ ली जाए हमारे गुजरात की राजधानी, सारे लोगों को सब कुछ याद होगा नहीं, बताएंगे कुछ भी, लेकिन अगर बनास डेयरी के बारे में जानना चाहो वो लिख लो, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में, और ये कहां पर है, पालमपुर में स्थित है। कहां पर, यह
पालमपुर में स्थित है और यहाँ की अगर बात की जाए शंकर चौधरी यहाँ के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। नाम क्या है? शंकर चौधरी। इसके बारे में लिख लो बनास डेयरी, शंकर चौधरी इनका नाम हो जाता है। इसका नाम क्या है? बनास डेयरी। ये एशिया की सबसे बड़ी दूध की डेयरी हो जाती है। इसी के साथ गुजरात की बात करते हैं तो सब लोग जानते हो राजधानी टोटल जिलों की संख्या 33, गांधीनगर राजधानी 182, 11, 26 और 11, 11 और 26 यहाँ के क्या है? 26 राज्यसभा, 11 लोकसभा, 182 यहाँ की विधानसभा की सीटों की संख्या है। इसी के साथ में बाकी चीजें आप सभी लोग जानते हो मेरे भाई, इतना ही रखो गुजरात में। इसके बाद नोटिस की पूरी डिटेल आज होगी आपके सामने। जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 2 मिनट आपके लेंगे क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी ज्यादा होने वाली है, कोई बात नहीं। लेकिन पहले वन लाइनर 5 क्वेश्चंस हैं, उनको देख लो एक बार, उसके बाद खत्म करते हैं। मीरा भाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है, क्योंकि आप कहोगे सर आपने ये तो बताया नहीं था, लेकिन लिख लो मणिपुर से बिलोंग करती मीरा चानू ने स्नेच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 115 उठाकर 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कुल 202 का स्कोर उठाकर 202 का स्कोर इन्होंने रिकॉर्ड बनाकर पहला भारत के लिए रजत पदक जीता था। ठीक है, पहला रजत पदक जीता था, यह मणिपुर से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन इसी में निकल के आया, नोट लिखना ओलंपिक का, टोक्यो में जो ओलंपिक हो रहे हैं ये 32वें ओलंपिक है। क्लियर, इस बार ओलंपिक में 42 खेल, याद रखना 42 खेल स्थानों पर 33 खेल हो रहे हैं, पहले 42 होते थे, अब यहां पर सिर्फ भारत की तरफ से टोटल यहां पर स्पर्धाएं 33 होंगी। इसी के साथ में जिसमें 206 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसके साथ भारत के 127 खिलाड़ी गए हैं, लिखिए भारत के 127 खिलाड़ी गए हैं इस ओलंपिक में भाग ले रहे, जिनमें 71 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल हैं। अपने भारत से 121 लोग टोटल हैं, इसमें 71 पुरुष हैं और आपके 56 महिलाएं शामिल हैं। भारत की ओर से 6 बार की विश्व चैंपियंस महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे 23 जुलाई के दिन। कब? 23 जुलाई के दिन। अगला क्वेश्चन, सारा इंग्लिश में सब कुछ आपको मिल जाएगा। फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता? तो 12वां क्वेश्चन आपका है प्रिया मलिक। प्रिया मलिक ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भारत के लिए पहला टोक्यो ओलंपिक में 73 किलोग्राम में पहला स्वर्ण पदक जीता है और पहला रजत पदक किसने जीता है? तो मेरे भाइयों याद रखना मीरा भाई चानू ने पहला रजत पदक, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम महिला, अभी 32वें आपके ओलंपिक में। तो याद रखना प्रिया मलिक राजस्थान से बिलोंग करती हैं, गर्व की बात है और यही गर्व की बात एसएससी जीडी में आप सभी लोग करके दिखाओगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, तेलंगाना सबसे बड़ा क्वेश्चन और कल पूरा यूनेस्को खत्म करेंगे, पोस्टमार्टम कल यूनेस्को का होगा। तो तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को विश्व विरासत शिलालेख से सम्मानित किया गया और यूनेस्को में 39वीं साइट बन गई है। क्या यूनेस्को में आपने अब तक पढ़ी है, टोटल 38वीं साइट बन चुकी है लेकिन अब 39वीं साइट बन गई है, विश्व धरोहर में स्थल बन गया है आपका तेलंगाना में रामप्पा मंदिर। लिख लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है आपके सामने कि भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर कौन बन चुकी है, तो रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है। ये अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है विशाल चल का चिला जी, ठीक है म्यारो प्यारो राजस्थान। हाँ जी, तो याद रखना रामप्पा मंदिर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो 39वीं साइट बन चुकी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की, ठीक है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने 44वें सत्र में इसको शामिल किया है, ठीक है 44वें सत्र में इसको शामिल किया और कल पूरा यूनेस्को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है कल पूरा यूनेस्को खत्म करेंगे। 14वां क्वेश्चन है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा लिखी है द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है, ठीक है लिखी है और इसकी घोषणा की है, इनका नाम है और ये किसके ऊपर डिनोट करती है, ए आर रहमान के ऊपर डिनोट है, इसलिए बुक इंपॉर्टेंट। अंतिम क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा पूर्व सांसद याल मंचली शिवाजी द्वारा लिखित पल्लेकू पट्टाभि शेखम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया, एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को लिखा है। अगली बात आती है मेरे भाई 5 देशों की, ओहो आज यार बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यार, बट कोई बात नहीं दिक्कत होने नहीं देंगे, एक मिनट रुकना
शायद है दिक्कत आपकी कम हो आपको, हाँ दिक्कत हो गई कम, कुछ 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 कम हो गई, दिक्कत हो गई हो गई हो गई, काम चल गया ठीक है, पीडीएफ में सही मिलेगा। वेनेजुएला की राजधानी, अरे भाई काहे के लिए उंगली कर रहे हो, हाँ वेनेजुएला की राजधानी का नाम कारागस, याद रखना प्राइम मिनिस्टर का नाम निकोलस मादुरे और करेंसी का नाम शोबराने। मेडागास्कर की राजधानी एंटानाना निर्विनो क्रिश्चियन नत्से यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और आर यारी यहाँ की करेंसी है। उत्तर कोरिया प्योंगयांग सभी लोग जानते हो, किम जोंग उन वही वाला ये वाला ठीक है, इसके साथ में वॉन यहाँ की करेंसी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर और डॉलर यहाँ की बन जाती है आपकी करेंसी। नाइजर की राजधानी नियामे मोहम्मद बजोम प्राइम प्रेसिडेंट और फ्रैंक यहाँ की करेंसी, क्या फ्रैंक यहाँ की करेंसी। अब आता है सारा इंग्लिश में मैटर और अब आता है पोस्टमार्टम हमारे म्यारो मध्य प्रदेश का। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के बाद हम आपको कवर कराएंगे, हाँ इसके बाद मेल दे देंगे आपको, पहले मध्य प्रदेश एक लाइन में देख लो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल नए राज्यपाल हैं लिख लिया जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, फूल पलास वृक्ष बरगद पशु बारासिंगा। यार हमें लगता है मध्य प्रदेश हम लोग कवर आ चुके एक बार आपको दो तीन दिन पहले, है ना, कोई बात नहीं सॉरी फॉर दिस बट नेक्स्ट टाइम सही कर लेंगे। पक्षी है आपका फ्लाई कैचर। जिले टोटल 55, तीन नए जिले बने हैं मध्य प्रदेश में लिख लिया जाए, 52 की जगह 55 हो गए हैं। विधानसभा की सीट संख्या 230, राज्यसभा में टोटल 29, लोकसभा में टोटल 11। एरिया की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान भारत में दूसरा है और पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत में पांचवा स्थान मध्य प्रदेश का आता है। हाई कोर्ट के जस्टिस का नाम क्या है, मोहम्मद रफीक। नदी कौन कौन सी है, बेतवा चंबल माही नर्मदा सोन टॉन्स और वैन गंगा। बाद की बात की जाए गांधी सागर तवा जलाशय इंदिरा सागर बांध। झील की बात करते हैं भोज मोती सागर पानी सायपुरा झील और तवा। लोक नृत्य की बात करते हैं तेलताली जवारा मटकी नृत्य गिड्डा नृत्य और मांचू। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं बांधवगढ़ काना पाना काना पन्ना पेंच सतपड़ा और कुन्हो, ये सारे के सारे याद रखना जिसमें दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कुन्हो और बांधवगढ़, क्योंकि ये चर्चा में हैं। याद आया यहाँ चीते लाए जाएंगे, यहाँ पे हॉट बबल सफारी और नाइट सफारी का शुभारंभ किया गया और ये ऐसे पहले ऐसे नेशनल पार्क बने जिनमें ऐसी सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। ये आपके हिंदी में हो गई, ये इंग्लिश में, दोनों की दोनों चीजें आपको आपके पीडीएफ में मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आप लोग एसएससी रेलवे पुलिस बैंक स्टेट एग्जाम पीडी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम के लिए सभी एग्जाम के लिए आप सेशन में जुड़ सकते हो विद स्टैटिक के, क्लियर। इसी के साथ अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मेरी ईमेल लिख लीजिए विशाल, DCA का मतलब होता है डिजिटल करंट अफेयर्स, याद रखना, और नाम तो आप लोगों ने रख दिया है ना पोस्टमार्टम सर, तो याद रखना vishaldca.example@gmail.com पे अपनी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग इस पे मेल कर देना, कोई भी दिक्कत हो इस पे मेल कर देना, कोई भी कंफ्यूजन कोई डाउट कांटेक्ट कर सकते हो इस मेल पर vishaldca.example@gmail.com, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत हो तुरंत कर सकते हो, ठीक है सर करवा दीजिए प्लीज, पढ़ना है क्लास चलने वाली है। दीपक प्रजापति किस चीज की किस क्या करवा दें, अब सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों को पता है ऐसे कहते रहते हो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमने आपको क्या नहीं करवा पाए, क्या नहीं आपको हमने देख पाया। नोटिस सबसे पहले हमारा आज जीडी की बात, जो लोग देखना चाहते हैं जीडी में हम क्या करने वाले हैं कल से प्रॉपर तरीके से, वो वाले सारे लोग ध्यान दें। डेट आपकी आ चुकी है ठीक है 17/7 से 31/8/2021 तक लास्ट फॉर्म है। लास्ट डेट एंड टाइम रिसिपिएंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए याद रखना 31/8 को लास्ट डेट हो जाएगी एप्लीकेशन की। पेमेंट की लास्ट डेट है 2/9/2021। लास्ट डेट आपके ऑफलाइन चालान की होगी 4/9/2021, इसके बाद और कुछ आपको नोट करना नहीं है। अगला पॉइंट है याद रखना टोटल वैकेंसीज है 25,271, इसमें महिलाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी आई है 2847 और अगर हम लोग बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज आपकी पुरुषों की कितनी है तो 22,424। समझो आप में से 22,434 लाइव तो आने चाहिए मेरी क्लास में, है ना, इसीलिए कहते हैं क्लास को शेयर किया कीजिए क्योंकि अपनी क्लास जो है वो हिस्टोरिकल क्लास है अगर रियलिटी में देखा जाए, क्योंकि अपनी क्लास बहुत से लोगों तक
पहुंचती नहीं है। अगर ये पहुंचने लग जाए ना तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने कंटेंट से, क्योंकि ये कंटेंट आप लोग कुछ भी करना, इतना कंटेंट कभी आपको कहीं नहीं मिल सकता किताब छोड़कर। तो याद रखना टोटल 22,000 आपके 224 पद हैं मेल में, और फीमेल में टोटल 2847 पद हैं, टोटल 25,271 पद हैं। नेक्स्ट आपका बनता है, अब देखो तैयारी कैसी करनी है। सबसे पहले पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, दो में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश हिंदी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश में इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे पूरा पूरा मेरा लेना देना है। लेकिन अगर आप इसकी रणनीति जानना चाहो, बड़ी कायदे की रणनीति बनाएंगे, सारे क्वेश्चन कवर करके वहां पे आओगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन सब में 25-25 होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क 25-25 के आप सभी के लिए होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और ड्यूरेशन टोटल 90 मिनट, मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट पूरा नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, पूरा 1 मिनट मिलेगा भी नहीं आपको। जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस, गोल्ड मेडल नहीं जीता प्रिया ने, अच्छा तो क्या जीता है फिर? जीतू सिंह जी, और क्या जीता है? करंट वीक रहती है, अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कोई दिक्कत हो जाए तो परेशान मत हुआ करो, ठीक है, परेशान मत हुआ करो आप लोग। जीतू सिंह जी, याद रखना क्वेश्चंस के बारे में इन दिस, क्योंकि अभी जब आए थे तभी तुरंत ही न्यूज कवर की थी हमने, तो शायद कुछ हो गया हो, एक बार कंफर्म करो फिर। चलिए सबसे पहले इन दिस कंप्लीट, इसमें क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण बात है इसी में जो आप लोग छोड़ देते हो, क्या आपको पढ़ना है याद रखना, इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम। याद रखना यही एम पे हम आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं। क्या लिखा है? कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट। याद आया पेरिस समझौता, क्लाइमेट चेंज के कितने कितने क्वेश्चंस हैं, याद आया? ये जितने क्वेश्चंस हैं एनवायरमेंट वाले सारे आपको आने चाहिए। इसके कारण 2019 में 20 में 21 तक जिस कोविड-19 कारण जितनी समिट कैंसिल हुई है सबके बारे में आपको आना चाहिए, छोटी से छोटी बातों में। सर जी को डिजिटल प्रणाम, ओ भाई नमस्कार। तो याद रखना एनवायरमेंट अराउंड हिम, हम लोगों के पास जितना अराउंड में एनवायरमेंट पर्यावरण से संबंधित जो चीजें होती हैं वो सारी से सारी आनी चाहिए। लेकिन सर कौन सी कवर करनी है ये कैसा पता चलेगा, उसके लिए हम हैं, ठीक है। लेकिन आप समझ लो आता क्या है, क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइंड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। कौन से वो करंट इवेंट्स हैं, कौन से वो करंट इवेंट्स हैं, याद रखना करंट इवेंट्स। पहला दूसरा पॉइंट आपका हो गया करंट इवेंट्स का, सबसे पहले एनवायरमेंट मिल गया आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिलता है आपका इवेंट ऑफ करंट इवेंट्स का। क्लियर, करंट इवेंट्स का भैया सीधा मतलब है करंट अफेयर हो गई आपकी। एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशंस, एक एक दिन महत्वपूर्ण बनता है, तो याद रखना ऑब्जर्वेशंस। आप लोग कहते हो सर आपने ये क्वेश्चन हमने कल भी कहीं पढ़ा था, मेरे भाई तभी कहते हैं एक एक दिन के छोटे से छोटे क्वेश्चन बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए हम आपको 3 दिन कवर अप देते हैं, 1 दिन करंट अफेयर सारी और 1 लाइनर में वो करंट अफेयर जो छूट जाया करती है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, लेट आ पाती है हम वो भी नहीं छोड़ते हैं, समझ रहे हो ना। इतनी करंट अफेयर्स भले ही 1-2 दिन में हम लेट करा पाए लेकिन सारी करंट अफेयर्स आपको देते हैं। ये क्लास आपको इतनी शेयर करनी है कि ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जिनको इस चीज की जरूरत है। अगला क्वेश्चन आपका ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इन देयर साइंटिफिक एसेप्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड person, the test will also include questions related to India and its neighboring country. India के बारे में, daily events के बारे में, और जो देशों में daily कुछ हो रहा है उसके बारे में, ठीक है, और कौन से वाले देश जो भारत के नजदीक स्थित हैं, जो सीमा साझा करते हैं, इसी के साथ especially जो आपके पेंटेंडिंग टू स्पोर्ट, स्पोर्ट के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, कल्चर के, सांस्कृतिक के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, इकोनॉमी, पहला राज बना है इकोनॉमी में जीडीपी के साथ साथ पर्यावरण को डिजाइन करने वाला उत्तराखंड, अभी बताया, हर क्वेश्चंस इसी से निकलता है मेरा। याद रखना इकोनॉमी, साइंस, जर्नल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहला पारित किया
कौन सा बिल इज ऑफ डूइंग बिजनेस विद असम ने, 8 राज्यपाल बदले, कौन कौन से आपके राज्यपाल के क्या बनते हैं, आर्टिकल बनते हैं, हाई कोर्ट एक नाम बदल दिया गया जम्मू कश्मीर का, किस आर्टिकल के तहत आपकी अभी हाल में वो हार गई थी, ममता बनर्जी फिर भी चीफ मिनिस्टर बनी है, किस आर्टिकल के तहत, ये सब कुछ आपके किस में आएगा, आपका पॉलिटी में आएगा, ठीक है। इसी पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वहीं से निकलेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एंड साइंटिफिक रिसर्च, कहां पर क्या खोजा गया, नई नई चीज मिलती है उसके बारे में, दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर एज स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, और कुछ नहीं आएगा। बस इसी में करना क्या है ये आपको देखना है। इसी के साथ नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको मिलेगा यहां पर, सर हमें तैयारी करनी कैसे। देखो मेरे भाई, तैयारी के लिए आप लोग सबसे पहले, अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, एक एक करके सारे सब्जेक्ट लिख लो, इंग्लिश की बात करते हैं, तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं इंग्लिश के, आपके जो भी चैप्टर है, जिस प्रकार से हमने आपको यह स्लाइड दिखाई थी, इसी प्रकार से सबके स्लाइड मौजूद है नोटिफिकेशन में, उसके स्लाइड काटो, जितने भी चैप्टर आपके हैं, जितने भी चैप्टर आज के हैं, सारे के सारे आपके, जैसे संजीव सर हो गए इंग्लिश में टॉप वेरिएंट है, 100% उनके क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप उनकी क्लास रेगुलर ले सकते हो, संजीव सर की, ठीक है। और बाकी टीचर्स भी क्लास रेगुलर लेते हैं अपने एसएससी एग्जाम एग्जाम्पल पर। इसी के साथ इंग्लिश की बात, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से ऐसे होते हैं जो उन्हें पढ़ाने से मतलब है, उन्होंने सिलेबस से कोई मतलब ही नहीं, आए क्वेश्चन करवाए निकल लिए, क्या चल रहा है यार, इंग्लिश हो गया पूरा, तो इंग्लिश याद रखिएगा, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं आता, 25 ही आते हैं, लेकिन नॉर्मल आते हैं, लेकिन आप लोग बर्डन तो मतलब इतना बर्डन ले लेते हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। सर अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको मेल दे चुके हैं, आप मेल कर सकते हो, मेल का नाम visaldc.example@gmail.com। अगला, अगर हम लोग मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में भी आपको यही रूल फॉलो करना है, सबसे पहले सारे चैप्टर लिख लो, सबसे पहले सारे चैप्टर लिख लो, एक एक चैप्टर करके सबका पोस्टमार्टम करना चालू कर दो। इंग्लिश की बात आती है आपकी रीजनिंग और मैथ, अगर हम लोग यहां पर रीजनिंग एंड मैथ की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, मैथ तो आपका हो चुका, अगर हम लोग मैथ की बात करते हैं, ठीक है, मैथ में क्या आता है, सारे चैप्टर्स लिख लो, रीजनिंग की बात करते हैं तो सारे चैप्टर लिख लो, एक एक करके सारे चैप्टर्स का निपटारा करते जाओ, और जब ये तीन के तीनों आपके निपटारा हो जाए, ये मत सोचना जिंदगी संपन्न हो गई, हमने सब कुछ कवर कर लिया, ये कभी मत करना, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप लोग सारा कवर कर लो, वैसे ही आप एक काम करना चालू कर दो, ठीक है। सर जी नंबर किसको देना है, किसने कहा नंबर दो, किसी को नंबर नहीं देना, अगर कोई दिक्कत है तो मेरी मेल पे आप मेल कर सकते हो, नंबर मत बांट देना, ठीक है। तो याद रखना रीजनिंग और मैथ के लिए ये करके, और जैसे ये पूरा कवर कर लो, वैसे यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, आप लोग पीसीएस बन सकते हो। सिर्फ क्या करना है आपको, चैप्टर कवर किए, यूट्यूब पे डालो टॉप 25 इंग्लिश क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस टीचर भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेंगे जो सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चंस को, डेली 25 क्वेश्चन लगाओ 25 क्वेश्चन, लेकिन ये मत कहना है मुझको सब आता है, हमेशा लगाते रहो। इसी के साथ में मैथ में, इसी में आपको रीजनिंग में करना है, जैसे ही सारा सिलेबस कवर करो, लेकिन अगर आपने बिना सिलेबस कवर करे क्वेश्चन लगाने चालू कर दिए, तो यही होगा, ओ माय गॉड ये तो आता ही नहीं था, ये भगवान ये भी नहीं आया, ये हमें आता ही नहीं था, अगर ऐसा होगा तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, समझ लो ना, पहले सिलेबस कवर करो, उसके बाद करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। करंट अफेयर्स में आपको डेली क्या करना है, करना कुछ नहीं है, जो हम बताते जाएं उसी पे फोकस करना है बस, ठीक है। सर मैंने हिस्ट्री कवर कर ली, बहुत अच्छी बात है, बस आपको वही करना है जो हम आपको प्रॉपर तरीके से बताया, ठीक है। वर्ल्ड कस्ट में जीता है, हाँ शायद, चलो ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी वो टोक्यो वाले में तो आपको कल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। सर प्लीज मेरी क्वेश्चन बताओ जो मैंने पूछा था, पूजा कुमार अब हमें यही ध्यान नहीं, आपने कौन सा पूछा था, ठीक है, आप लोग एक बार हमें कमेंट कर देना, कल से इस कमेंट का एक्सप्लेनेशन आपके लिए होगा, ठीक है। ठीक है पूजा जी, सॉरी फॉर दिस बट हमें याद नहीं है, लेकिन कल पक्का ऐसा होगा, ठीक है। सर सभी बैंकों के सीईओ हम लिस्ट दे देंगे और पढ़ा भी देंगे, ठीक है, एक डेली चैप्टर कवर करेंगे तो पढ़ा भी देंगे आपको, आज का सेशन आपका तो यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। और अरे यार एक चीज और रह गई आपकी, 6:42 हो गया यार। आंसर ऑफ द डे आपका है, हाल में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया, कहां पर, मध्य प्रदेश में हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन अभी हाल में रिसेंटली किया गया था, जो विश्व का 5वां लेकिन भारत का पहला सबसे हाई स्पीड का सेक्टर होगा एशिया का,
क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए घर के लिए, हाल में कौन सा देश इन एंटी लेजर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश बना है? तो ऐसा पहला देश बना है अपना आप बताओगे कौन बना है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आंसर बता देना। पीडीएफ आपको सबसे पहले, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, एक बार सभी लोग मिलकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक अगर ना किया हो ना तो आप कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आप एज यू विश। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, मेरी हर चीज अच्छी लगी हो, तो आप लोग क्लास को मेरी लाइक कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना। और जीडी एसएससी जीडी के लिए बैच भी लॉन्च हो चुका है, जो सिर्फ 599 का है, ज्यादा नहीं है। सर कल की पीडीएफ कहाँ है? कल की पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है, वीकली भी दे देंगे, ठीक है, वीकली भी कर दे देंगे, परेशान मत होना, मेल पे कर देना आप लोग, सारे लोग सबको पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ हाँ, टेलीग्राम पे भी दे देते हैं पीडीएफ आपको। तो ये आपकी क्लास हो गई, सब्सक्राइब और आपको लाइक शेयर करना है। अभिमन्यु बैच UPSSC पैड का और एसएससी जीडी का पैरामिलिट्री बैच, बिल्कुल मामूली पैसों में कह सकते हो, 599, जिसमें 20% और 25% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। याद रखना बहुत कम दिन रह गए हैं, लेकिन काफी है बहुत कुछ करने के लिए। इसी के साथ में डेली करंट अफेयर पीडीएफ आपको एसएससी एग्जाम एग्जामपुर या एसएससी एग्जाम एग्जामपुर के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी एग्जाम एग्जामपुर। इसी के साथ सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। फिर भी पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप मेल कर सकते हो किसी भी कंफ्यूजन किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, ठीक है। राजेश यादव जी कोई बात नहीं, मेल कर देना, हम दे देंगे आपको, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम ज्यादा हो चुका है ना, और कल से आपकी 36 तक क्लास चला करेगी। तो थैंक यू सर, प्रसाद तो दे दो, प्रसाद किस चीज का, शादी थोड़ी ना हो ये मेरी। चलिए तो मिलते हैं कल सुबह एसएससी एग्जाम एग्जामपुर पर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।